का प्रॉब्लम लीकेज सीकेज प्रॉब्लम होता है ना, लोग किसी को भी जो भी अवेलेबल है मार्केट में, कॉन्ट्रैक्टर हो, टेलर के डीलर के पास कोई आदमी हो, वो प्लम्बिंग करता है क्या, कारपेंटरी करता है क्या, क्या करता है कुछ पता नहीं, वाटर कुछ ऐसा लगा जाता है। तो ये जो बट समस्या क्या है, किसी इलेक्ट्रीशियन से हम पूछते नहीं है, कंज्यूमर नहीं पूछते है, कस्टमर नहीं पूछते है भाई तुमने जो स्विच लगाया ना इसके ये कितने दिन चलेगा, वारंटी कितने दिन चलेगा, कन्वर्टर में जो पहले वो पूछते है हमने लगा देंगे सिस्टम कितने दिन चलेगा, मेरे इधर नहीं होना सही है। अपने अभी तो मैं कुछ देखा नहीं अब तक, तो ये सबसे बड़ा इशू है हमारे देश के सर। हम जैसे काफी साल से जुड़े हुए हैं, अभी चलते चलते कुछ 26-27 साल हो चुके हैं इसी में, हमारे अस्थाना जी भी काफी साल से है, आप लोग भी काफी साल से काम कर रहे हो इसी फील्ड में, हमारा ये बहुत बड़ा गैप है। तो मैं जब यहाँ पे आए थे 2-3 महीने पहले, जब मैं इसके ऊपर अभी ये चर्चा हो रहा था, मैं शुरू कर रहा था, मैं जरूर सर से एक ही चीज बोला था, सर हमें एक ट्रेड की जरूरत है वाटर की, और ये हमारा मकसद है। तो ये जो हम ट्रेनिंग शुरू किया है, ये उन्होंने एक विश्वकर्मा अवार्ड दिए, हमने उसके अंदर ये भी डलवाया है, हर साल हमने आपको चूज के बताया कि हम उनके जो प्रोसीडियर है उसमें हम 2 वाटर प्रूफर को अवार्ड देना चाहते हैं, राइट। तो जिसमें ना लोगों को पता चले हमारे अंदर भी अच्छा लगे जी हमने कुछ किया, राइट। तो ये हमारे इच्छा है, हम चाहते हैं जो आप भी उसमें जाकर शामिल, सब लोग मिलके इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो अभी एक क्विकली एक छोटा सा फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे देंगे, हम लोग सब 5 दिन रहेंगे, 5 दिन सब एक साथ मिलके काम करेंगे, हमारे बहुत सारे काम रहेगा, जो हैंड्स ऑन काम करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करेंगे, दूरी हमसे ज्यादा करेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी करेंगे। कुछ लोग आप लोग वाटर प्रूफिंग से काफी साल से जुड़े हो, ये प्रोग्राम जो हम लोग आज करना है, ये कंप्यूटर ये वाटर प्रूफिंग टेक्नीशियन प्रोग्राम था, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे आप लोगों ने कोई लोग जो उस दिन जब हमने एड्रेस किया 10 तारीख को आप लोगों ने एड्रेस किया वो प्रोग्राम, उसमें हमने बताया था क्या क्या लेवल होगा, तो ये वाटर प्रूफिंग सुनाई दे रहा है ना, तो वाटर प्रूफिंग टेक्नीशियन का प्रोग्राम, ठीक है, जो आपके साथ जुड़े हुए टेक्नीशियन जो एक्चुअल हाथ में लेके काम कर रहे हैं। तो हमारे फील्ड में ऐसे है, आप लोग भी अपने आप ही काम करते हो, कुछ लोग करते हैं, ठीक है ना, आप तो आए हैं बहुत अच्छे। तो हमने ये प्रोग्राम पहला लेवल प्रोग्राम जिसमें हमने बेसिक लेवल प्रोग्राम करेंगे, जिसके अंदर नया कंस्ट्रक्शन रेमेडियल वाटर प्रूफिंग के बेसिक लेवल, उसमें शायद ऐसे है आप लोग हर एक सिस्टम को यूज किए, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर एक सिस्टम यूज किए जो हमने बेसिक सिस्टम में बात करा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा लेवल 2 होगा जो एडवांस सिस्टम के ऊपर होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा बड़े बिल्डिंग्स में लगते हैं, बेसमेंट्स में लगते हैं, ऐसे टाइप का प्रोग्राम कुछ होगा, रिपेयर में लगता है, स्ट्रक्चर रिपेयर का प्रोग्राम होगा, वो भी होगा, रूटीन में आएगा ऐसा। बट ये प्रोग्राम हमने जो 2 बेसिक लेवल है हमने इसको काफी लंबा इसलिए किया, इसमें हम लोग बहुत थोड़ा डिटेलिंग में काम तो कर रहे, हम लोग ऐसा नहीं है सिर्फ कोटिंग को ब्रश से लगाए, हमने होगा पहले हमने प्रोग्राम किया होगा, हमने देखा होगा हमने कोटिंग एप्लीकेशन दिखाया है, ये सब किया हमने हमने किया है ना, क्लास्टर में जोन जोन में करते थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग डिटेली जैसे हमने एक वाटर प्रूफिंग करते हैं उसमें पाइप कनेक्टेशन कैसे करना है, ये कैसे करना है और अच्छे से कैसे करना है, बहुत सारी चीज को हम लोग ना बहुत डिटेल में, ठीक है ना, इसीलिए हमने ये 5 दिन का प्रोग्राम जो आपके एक्चुअल टेक्नीशियन लोगों को एक्चुअल फील्ड के ऊपर ठीक से करना, ठीक है। तो वो चीज हम करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आगे जाके, मैडम ने सीमा मैडम ने आप लोगों ने नाम ऑलरेडी दिए है, आप लोगों को सबको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, तो हमने 2-3 ग्रुप बना देंगे, तो ग्रुप मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो सीखेंगे एक साथ करेंगे, फिर हम लोग एक दूसरे को क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे, तो ये सब चलते रहेगा हमारे साथ, राइट। तो एक क्विक शुरू करने के पहले मैं एक बार क्विक इंट्रोडक्शन दे लेता हूँ, आप कहाँ से, आपके नाम, आप कौन से शहर से आए हो, इतना ही बात, ठीक है, बाकी हम करते हैं पीछे से शुरू करते हैं। मेरा नाम अरुण है, मैं सुनीता से आया हूँ, लगभग
पांच साल से वहां से हार्ड वर्क में काम कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत मेरा नाम नीरज कुमार है। मेरी कंपनी एनके वर्कशॉप के नाम से होती है। मैं प्रोफेसर सोनी पर और हमारे कोर्स है सब के लिए मैं और सावधान हूं। मैं पहले तकरीबन 5-6 साल अंदर में काम किसी के अंदर करा था। फिलहाल मैं समय पर 6 साल से अपना काम कर रहा हूं। बहुत हमारे साथ इंदू भी है। आपके अभी जो हमारे साथ चार्जर है ना प्रोफेसर, तीन चार्जर है तो इन लोग हमारे सर आपके ये हमारे ट्रेनर ट्रेनर प्रोग्राम भी साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, आगे जाके इन्होंने ट्रेन हो जाएंगे। इन्होंने ये प्रोग्राम जैसे बोल रहे थे पूरा उत्तर भारत में अलग अलग जो सेंटर्स है उन्होंने वहां पे जाके ये प्रोग्राम को और नाम दे दिया है। ठीक है, मैं किशोर खानी लहरा
वाइफ का काम तो 30 साल तक कर रहा हूँ अपने भाई के साथ, लेकिन वाटर प्रूफिंग का काम जो है 12-13 साल से कर रहा हूँ तीन से। इस समय मेरे पास 2-3 फायदा है इसी का डॉक्टर। मेरा नाम वीर कुमार है, मैं डॉक्टर पिछले से लगभग 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वैसे पहले कैप्टन है, डिप्लोमा का होल्डर हूँ, कैप्टन लाइन में है, और उसके बाद इसको मैं 10 साल से अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। उसके बाद हमें इस वाटर प्रूफिंग आया था, 12 साल हो गए वाटर प्रूफिंग करते हुए, और हमें किसी के थ्रू या किसी के कंटेक्ट में रहकर हमने इस काम में खुद स्टार्ट किया, और खुद स्टडी डॉक्टर किचन जो स्टडी में जाने का हमने स्टडी किया और इस काम आगे सीखा। और फिर कंपनी का नाम रवि शेखर वाटर प्रूफिंग करते हैं, और एक पूरा टीम का ट्राई शुरू में तफसीला जो हम चंडीगढ़ भाई लोगों नमस्कार, मैं नाम सजा रहा है, मैं कॉन्ट्रेक्टर हूँ, इसमें पिछले से 15-16 साल से काम कर रहा हूँ, और फिफ्टी वर्का भी है, आई थिंक ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा वाटर प्रूफिंग में रहता है। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ललित मिश्रा है, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरी फर्म का नाम है भारत कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, हम लोग बेसिकली 2 डिवीजन में वर्क करते हैं, बट बीइंग अ सिविल इंजीनियर मेरा खुद का जो एक्सपर्टीज है वो वाटर प्रूफिंग में, और लास्ट 10 साल से मैं कर रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हेलो, which was a shooter from last 20 years of Dr. Fitness. Now we are in the application phase. In the application phase of waterproofing and construction of new room. बहुत बढ़िया सर, कोई राय नहीं। एक सबसे अच्छा मुझे ये लगा यहाँ पे मिक्सर पे, है ना, जो लोग अपने हाथ से सीख के आए, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, मिक्सअप है, ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब मिलके शेयर करेंगे। कुछ हम सिविल इंजीनियर जानते नहीं है, हम काम कर रहे हैं, कुछ हम टेक्नीशियन फील्ड में बहुत अच्छा हाथ से काम कर रहा है, हमें सीखना है, दोनों लोगों को ही सीखना है, तो हम मिलके काम करेंगे, तो हम मिलके सीखेंगे, शेयर करेंगे हमारे साइट के ऊपर क्या हुआ है, कैसे काम किया है, कोई कोई अलग प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि वाटर प्रूफिंग एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है ना, आप लोग करे है, अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, टिपिकल टिपिकल प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, राइट, टिपिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे सरू साहब भी बोल रहे थे, कोई टिपिकल प्रॉब्लम नहीं, घर के ऊपर छत है, छत में बगान बना हुआ है, गार्डन है, कोई एक जगह से पानी निकल रहा है, उसको पानी का सोर्स ढूंढने प्रॉब्लम हो जाता है, होता है, हम बहुत कोशिश करके सोर्स को निकालते हैं और अल्टीमेटली सक्सेस मिलता है, काफी लोगों ने काम करके जाने के बाद उनसे नहीं हुआ, हमसे एक अच्छा लगता है। तो ये जो अलग अलग टाइप होता है ना, ये जो अलग टाइप का फीलिंग होता है, ये जो चीज है, ये हम सब शेयर करेंगे, ठीक है ना, ये जितना शेयर करेंगे उतना हमें जानकारी मिलेगी, राइट। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम हमारा, ये वाटरप्रूफर टेक्नीशियन कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स, जैसा आप लोगों को पता ही है, ये 5 दिन का प्रोग्राम रहेगा, लेवल 1। इस प्रोग्राम में सिर्फ ये हाँ सर, आइए सर, प्लीज क्या प्लीज। मेरा नाम विजय सिंह चौधरी है। विजय जी बोलने के पहले एक मिनट बोल देता हूँ, विजय सर यहाँ पे CIDC से काफी साल से है, उन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, करके हम मोर देन 3 डिकेड के ऊपर जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे सेंटर बैंक बनाने का जो मेन काम था उसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट विजय जी को, इसलिए उनके बहुत बहुत बधाई है। उसी टाइम हमने ये सेंटर बनाने का शुरू किया था,
विजय जी ने सिंगल हैंडेडली पूरा काम किया था ऊपर, तो कैसे भी करके हमने नहीं आगे जा पाए बिकॉज ऑफ कोविड एंड सब ना सकते थे। हाँ ठीक है, तो बट विजय जी ने सिंगल हैंडेडली वो पूरा केस को कंप्लीट किया था। अभी हमारे साथ में भी कर रहे हैं विजय जी। मैंने बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ, 75 डिग्री की थी बीटेक में, अपना बी होता था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। 75 के बाद मैंने 77 में हाउस बोर्ड ज्वाइन किया था, हाउस बोर्ड है। उससे पहले 1.5 साल में इरीगेशन डिपार्टमेंट में रहा था, हरियाणा में एक जो है लिफ्ट इरीगेशन थी, लिफ्ट इरीगेशन स्ट्राइक कैनाल थी उसमें। तो मैं 77 से लेके 2014 कितना दिन हो गया टोटल, करीब करीब 37 साल मैंने टोटल कंस्ट्रक्शन में अपना लाइफ किया, और करीब करीब 15,000 हाउसेज मैंने एज ए जूनियर इंजीनियर, एज ए असिस्टेंट इंजीनियर और एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी कि कोई भी स्टेज नहीं छोड़ी एग्जीक्यूशन से लेके और सुपरवाइजर तक, सारी स्टेज मैंने देखी। और सर मकान ही बनाए, ये नहीं वो किसी और बड़ी बिल्डिंग है या हाई स्टोरीज है या साल में कंस्ट्रक्शन साइट पे रहा हूँ।
और मैं सीएलबीसी में पिछले जो है आपके जब से सीएलबीसी स्टार्ट किया तब से मैं ज्वाइन किया हूँ। 26 साल सीएलबीसी में हो गया और हमारे दीदी सर जो है अभी डॉक्टर पीआर सर उनके साथ में मैं 40 साल से जिस भी कंपनी में गया वो दिल्ली पर गए तो मैं उनके साथ में कंटिन्यूस आज मैं ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन में हूँ। इसलिए भी आपके ट्रेनिंग वगैरह हमारी चलती तो आई वर्किंग एज ए एसडीएम ट्रेनिंग अभी ट्रेनिंग है और फिलहाल जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं हमारे यहाँ जिस ट्रेड के भी हूँ उसमें वाटर प्रोफिंग भी अब जुड़ जाएगी आपकी तो वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ से ही मिलेगा। और हम ये अभी फिलहाल में 10-15 दिन पहले गाँव गया था तो एक हमारे यहाँ भी तो कंस्ट्रक्शन चलती रहता है एक हमारा मिस्त्री था वो कंक्रीटिंग बना रहा था मैनुअली होता है थोड़ा सा काम करना है तो मैनुअली बनाते हैं तो उसमें हमने पूछा जैसे तुम इसमें क्या डालते हो बोले कि हमारे पास एक वो है क्या बोलते हैं लिक्विड है हम उसको डालते हैं केमिकल है तो चलिए हम उसको तो ले आए तो आपका डॉक्टर फिक्सिट का AW+ तो मैंने बोला कि ये जो तुम डाल रहे हो ये कंक्रीटिंग कर रहा है तो कंक्रीटिंग में AW+ नहीं लगता है क्या लगता है UR2। तो मैंने उसको समझाया कि ये तुम डाल रहे हो देहात के लोग इतना जानकार नहीं उनको केमिकल पता है कि केमिकल डाल रहे तो हमने बोला ये जो तुम डाल रहे हो डॉक्टर फिस्टिक वाले AW+ ये जो है दीवार सिलाई में डाली जाती है मसाले में डाली जाती है कंक्रीटिंग जहाँ भी करनी है वहां पे हमें UR2 यूज तो वैसा जो है फिर भाग करके जाकर दूसरे दुकान से फिर से खरीद के लेकर UR3 फिर उसको हमने बनाया कि हर बैग में एक बैग में हमें 200 ml डालना नहीं सकते हर बैग में हमें एक बैग अगर सीमेंट की कंक्रीट आप बनाते हैं तो हमें 200 ml डालना है तो हमने उसको समझाया तो फिर उसने अपना यूज किया। तो हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो काम जो है हमारा कंस्ट्रक्शन का ठीक ठाक अभी मुझे भी घर बनाना है तो हम भी कोशिश करेंगे कि इसलिए मैं भी बैठ गया मैं भी कुछ सीख लूँ तो चलते रहता है और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से भी कि जरूरी चीज़ों को ध्यान दें और हम तो हमेशा हम लोग बैठ जाते हैं हम लोग का रिविजन चलते रहता है और फिर बाद में हम लोग भी ट्रेनिंग देंगे आप लोगों को कि वाटर प्रूफ कैसे ठीक है। ओके थैंक यू सीमा एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। आपके साथ प्रैक्टिकल सेशन जब रहेंगे सीमा के इंचार्ज रहेंगे प्रैक्टिकल सेशन में कंटिन्यूअस से आपके साथ रहेंगे ठीक है। ओके आई थिंक कुछ नए लोग जुड़े हैं हम बाद में इंट्रोडक्शन लेंगे आपका ठीक है और नमस्कार कर रहा हूं ऑलरेडी बहुत देर हो चुके ठीक है। तो पहला सेशन हम लोग जो शुरू करेंगे कोई भी प्रोग्राम कोई भी चीज करना चाहिए कोई भी काम जब हम करते हैं हमारा ये प्रोग्राम का जो फंडा ये था ये मैं एक स्लाइड आपके लिए रखा है हम इंजीनियर हो सकते हैं हम काम को चला रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं बहुत कुछ हो सकता है जो टेक्नीशियन होते हैं वो सबसे अहम होते हैं उसके ऊपर सब कुछ रहता है तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है
तो अपने आप को समझना, जो आज मैं यहाँ पे क्यों आया, हम यहाँ पे क्यों आए, हमने ये नहीं बोल रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को सबको याद दिला दूँ, आप लोग जितना मैंने सुना, आप लोग 10-15-20-30 साल से वाटर पंपिंग से जुड़े हुए, आप लोग के अंदर तजुर्बा बढ़ा है। बट ये हमारा कोशिश रहेगा वाटर प्रूफिंग, आज से अगर आप लोग जो 20-30 साल जुड़े हो, आप लोगों को भी पता है 20 साल पहले वाटर प्रूफिंग क्या होता था, आज वाटर प्रूफिंग क्या होता है, 20 साल पहले बिल्डिंग कैसे बनता था, आज बिल्डिंग कैसे बनता है, दोनों में फर्क है, राइट। तो इसीलिए अगर हमारा टेक्निक के हिसाब से देखे वाटर प्रूफिंग में भी फर्क हो, ठीक है, हमें भी वो चीज देखना जरूरी है। पहले बाथरूम बनते थे सन के, ना फ्लैट बाथरूम बनते थे। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, छादों में भी आपने देखा है पहले नॉर्मल एक छत होती, आज पोडियम्स होते हैं, अलग अलग चीज होता है उसके अंदर, स्विमिंग पूल होते हैं, ये होते हैं, काफी सारी चीज होते हैं। तो टेक्निक्स चेंज हो रहे हैं, तो हमारे को भी साथ साथ में हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, जो हम लोग काम करते हैं वो भी नया होना चाहिए। सिमिलरली जब हम रिपेयर भी करेंगे, रिपेयर भी हमारा चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमें नॉलेज रखना जरूरी है ये कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे। अगर मैं वाटर प्रूफिंग करता हूँ एक ढंग से करता हूँ, मैं वही पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार और पीछे बना के मैं कोटिंग करता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग सब जानते हो प्रोडक्ट, इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पानी ऊपर से आने वाला है, पॉजिटिव वाटर ले सकते हैं, हम लोग वाटर टैंक के अंदर यूज करते हैं, छत के ऊपर यूज करते हैं, पानी ऐसे गिरता है, यहाँ पे पानी कहाँ से गिरता है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, आप उल्टा तरफ से नीचे से लगा, उसका प्रेशर भी डिफरेंट होकर नहीं है, उसके लिए अलग टाइप का। तो ये जो छोटे छोटे चीज है ना, इसको हमें जानना जरूरी, मतलब नॉट ओनली सिस्टम में बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी वाइज कैसे चाहिए। तो ये इम्प्रोवाइज करें, जितना हम इम्प्रोवाइज करेंगे, जितना हम और करेंगे, अच्छे करेंगे, उतना हमारा जो कस्टमर है उसको हम लोग एक्सपीरियंस अच्छे कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो सरोज को आपने बताया, उन्होंने जो इतने लोगों को बुलाया, लेकिन इनके सबके अच्छी तरीके से जाकर आएंगे जो लोग, उनको आपको देख के कॉन्फिडेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस, ये बंदे यहाँ से सीख के जा रहा है, ये जो मेरे साथ काम करेगा तो मेरा घर में वाटर प्रूफिंग सबसे अच्छा है, ये है ना। और ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये कॉन्फिडेंस को हमें आगे लेके बढ़ा के जाना है, ये कॉन्फिडेंस से हमें हमारा बिजनेस को बढ़ा, कस्टमर होते हैं, कस्टमर से कस्टमर मिलते हैं ना, हमारे धंधे में ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा चीज है, कस्टमर एक कस्टमर होते हैं, पहला का काम को अगर हमने सही ढंग से किया ना, आपको उससे 10 मिलेगा, 10 से 100 मिलेगा। तो ये जो है ना, ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, ये सबसे अहम है, हमने जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली हमारा कस्टमर, ये जो लीकेज है, ये लीकेज जैसे डबल आवाज और कोई फैकल्टी होगा आपको उसको सुनना है, आप खुद फैकल्टी हो जाओ, आप खुद शेयर करो, ठीक है, आप जब काम करोगे आपके एक्सपीरियंस को दिखाओगे, हाँ उसमें हम लोग कुछ अच्छे कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे होता है तो कोशिश करेंगे, ये चीज है, राइट। तो ये हमारा जो है ना, एक बहुत बड़ा कोट था, ही हु वर्क्स, मैं इंग्लिश में हिंदी में बोल देता हूँ, जो हाथ से काम करता है ना उसको लेबरर बोलते हैं ना, काम के कर रहा है, जो हाथ और दिमाग से काम करता है उसको क्राफ्टमैन बोलते हैं, और जो हाथ हाथ और दिल से काम करता है, हाथ से काम करते हैं ओके, दिल से काम करता है उसको बोलते हैं आर्टिस्ट।
सिंपल से एग्जांपल, मतलब अगर आपने काम को करना है करके कर रहे हो, उससे ज्यादा मैं अगर जानकारी लेके और मेरे दिल से करता हूँ उसमें काम के अलग मतलब होता है। तो ये होता है आर्टिस्ट, उसी से वर्ड आया आर्टिसन। ओके, ये हम जो बोलते हैं जो काम करते हैं एग्जीक्यूटर होते हैं, आर्टिसन होते हैं जो काम करते हैं। तो ये हमें सीखना है, ये चीज हमें करना है। तो ये प्रोग्राम आपको करेगा यूपी स्किल्ड वर्कर के ऊपर, आपको वर्किंग को अच्छा करेगा, साथ साथ में आपको एक स्मार्ट वाटर प्रूफर बनाएगा। स्मार्ट वाटर प्रूफर, जब मैं स्मार्ट वाटर प्रूफिंग के बारे में नहीं करता हूँ, स्मार्ट मतलब जो काम करते हैं पर उसका प्रोडक्टिविटी निकलता है। एक कोई लोग काम करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, पर प्रोडक्टिविटी उतना ही होता है जितना होना चाहिए। पर कुछ लोग होता है काम करते हैं स्मार्टली काम करता है, प्रोडक्टिविटी काफी अच्छा मिलता है। एक स्मार्ट टेक्नीशियन बनता है, हम कैसे उसको आगे बढ़ाए, राइट? सो will be a smart waterproofing technician. So हमारा जो training रहेगा, इसका main ये रहेगा, आपका index रहेगा, आपके साथ already agenda भी share किया है, but जो इसको हम बात करेंगे, इसमें majorly रहेगा, पहला चीज हम शुरू करेंगे, तो हमारे सबके लिए important है, safety, okay? कोई भी program हम लोग जब भी करते हैं, आपने भी देखा होगा हमारे साथ program में जुड़े होंगे, हमने शुरू करते हैं safety, safety शुरू किया हमारे पहला उतना रहेगा, side safety. उसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे बेसिक्स ऑफ वाटरप्रूफिंग, देन हमने टूल्स इक्विपमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स कैसे करना है, कैसे टूल्स को यूज करना है, कौन सा टूल्स किस काम के लिए लगते हैं, क्या करना है टूल्स को लेके, कुछ नए टूल्स जो आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग और बात करेंगे ये काम को कैसे प्लान ऑर्गेनाइज एंड इफेक्टिवली काम किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, न्यू कंस्ट्रक्शंस एंड रिपेयर्स, उसके मेजर इंपॉर्टेंट देंगे हम लोग इस जगह पे सरफेस प्रिपरेशन, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी काम करने का, सबसे इंपॉर्टेंट मैं जानता हूँ 70-80% है हमारा उस जगह पे होना चाहिए जहां पे हम सरफेस को प्रिपेयर करते हैं। एंड ऑल्सो सीखेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर प्रूफिंग सिस्टम। इस जगह पे आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आप लोग कितने लोगों ने, आप लोगों को पता होगा जो डॉक्टर फिलिप्स ने रिसेंटली एक वेब पोर्टल बनाया है जिसका नाम है टेक्निकल हेल्थ डेस्क, आप लोग उसको जानते हो, आप कितने लोग उसमें रजिस्टर किया है आपका नाम पोर्टल में, आप लॉग इन किया है उसमें, आप लोग लिया है आई थिंक 4-5 जन लिए हैं, ये दस्तावेज कोई थी उसमें एक टेक्निकल हेल्थ से एक वेब पोर्टल है जिसमें लॉग इन दिया है सबको गूगल पे जाकर। ओके, तो वो वेब पोर्टल में जाके उसके अंदर हमने हर एक प्रॉब्लम, हमने उसके अंदर अराउंड 98 कंडीशन डाला है, अलग अलग सिचुएशन डाला है, उसके अंदर आपको हर एक सर्फेस का वहां पे सोल्यूशन क्या होगा, वो सोल्यूशन का मेथड स्टेटमेंट बीओक्यू सब कुछ लगा हुआ है, मतलब आप वहां से आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी जगह पे जाए आप वहां पे वेब पोर्टल में लॉग इन कीजिए, आपको वहां से डाउनलोड करके ले लीजिए और उसका बीओक्यू मेथड स्टेटमेंट प्रोडक्ट एमएसडीएस एवरीथिंग, और उसके ऊपर और भी चीज आप आ रहा है आपके उसके अंदर ऑडियो विजुअल सब कुछ आने वाला है। ओके, अभी काम चल रहा है फेसबुक में, वो भी आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी चीज है करके सर्टिफिकेट सब कुछ मिलता है। तो जितने लोगों ने आप लोगों ने किया है, जो लोग नहीं किया है प्लीज सुबह इनका नाम ले लेना, इनका सबका टेक्निकल इंटरफेस का लॉगिन आईडी क्रिएट करा देंगे आपको, ठीक है? दो एक आप लोगों के लिए है। तो हम यहां पे जो सॉल्यूशंस से बात करेंगे, तो हमने ये जो प्रोडक्ट के लेवल बनाया, हम लोग टेक्निकल हेल्पडेस्क में टोटल हमारा अराउंड 98 सॉल्यूशंस है आज के तारीख पे, 98 कंडीशन बेस्ड सॉल्यूशंस है, अलग अलग रूफ के ऊपर अराउंड 10-15 है, पूर्णिया है, ऐसा अलग अलग। तो उसमें से हमने अराउंड सुबह इसमें कितने 32 कंडीशंस के ऊपर ये लेवल वन प्रोग्राम, तो हमने वो टोटल कंडीशंस के ऊपर आपके लेवल्स बनाए हैं, हमने जो लेवल बनाया प्रोग्राम को कंडीशन बेसिस बनाया है, तो वो हमने आपको हर एक वाटरप्रूफिंग सिस्टम जो लेवल हमने लिया जो कंडीशन हमने उसी के ऊपर हमने एक लेवल में बात करेंगे, ठीक है? सेकेंडली हर एक कंडीशन का हर एक एरियाज का हमने राइट फ्रॉम चेकलिस्ट, हमने अगर एग्जीक्यूशन करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा चेकलिस्ट क्या होता है, ठीक है? एग्जीक्यूशन के शुरू में, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के एंड में, ये पूरा चीज को हमने देखते हुए, ठीक है? तो इसे ऐसा ना हो जो हमने जब उठाया ये मटेरियल लिया, ये मटेरियल पहले जगह पे जाके हमने पहले उसका कैसे कंडीशन को समझेंगे, उसके अंदर जाके क्या चेक करेंगे। जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने किसी ने बोला आपका वाटर टैंक लीक कर रहा है, सिंपल एग्जाम्पल वेस्टी टैंक लीक कर रहा है, तो वेस्टी टैंक के अंदर जाके आपको चेक क्या क्या करना है उस जगह पे, जब भी आप करोगे, क्योंकि जैसे होता है ना सॉल्यूशन को निकालने के लिए पहले उसका सोर्स जानना जरूरी होता है,
तो ये सोर्स जानने के लिए हम लोग जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं बोल रहा आप लोग का एक्सपीरियंस है, पर क्या होता है ना कभी कभी आपने किसी को भेज दिया या आपने भी किया कुछ चीज हमने मिस आउट कर, ठीक है ना, ये जाना ये देखना भूल गया या ये नहीं देखा था शायद ये नहीं हुआ था, तो उसके अंदर हमने एक चेकलिस्ट बनाया, सबका चेकलिस्ट बनाया, वो चेकलिस्ट भी आपको ये वेब पोर्टल में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सक्सेस का चेकलिस्ट क्या है, आपको जस्ट मोबाइल के ऊपर खोलना है, आप जाके उधर साइट को देखें, मतलब ये देखा उस जगह फोटो ले लो, बस आपको इजी हो जाएगा, मतलब सामने एकदम 10 पॉइंट देखना है मुझे ये 10 पॉइंट, तो इसको हमने बनाया, हमारा पूरा टीम बैठ के उसको पूरा डिजाइन करा है, हमने अराउंड ऐसे चेकलिस्ट जो है ऑनली प्री इंफॉर्मेशन चेकलिस्ट जो है हमने अराउंड 22 चेकलिस्ट प्री इंफॉर्मेशन का लिया है, प्लस हमने हर एक कंडीशन का प्री एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन पोस्ट एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट बनाया, ओके सब कुछ अवेलेबल है आप लोगों के लिए, राइट ओके। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम का हिस्सा है, डिटेल में जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग सेफ्टी, करना चाहिए ना, हाँ मानना चाहिए, किसकी भी मानना चाहिए, सेफ्टी क्यों करते हैं सर, कस्टमर की होती है, कस्टमर की होती है, हमारी होती है, जो काम करते हैं उसी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सेफ्टी। हमने बिरला में या हमारे सब में हमने एक मंत्र बनाया, क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो हमने एक मंत्र बनाया, सेफ्टी का एक मंत्र होना चाहिए, राइट, वो हमारे अंदर समझ में आना चाहिए, सेफ्टी का आपको बोल रहे सही बात है, कस्टमर क्या है मेरा है सब कुछ है, तो हमने एक मंत्र बनाया जिस मंत्र को हमने बोला है शिवा, इजी होता है याद करना, ओके SIWA शिवा, ये मंत्र में क्या बोलते हैं, ये मंत्र में बोलते हैं अगर मैं ये अगर आपको अंदर अंदर एक बार बैठ गया ना, वेरी सिंपल सिंपल वेरी सिंपल मैं बोलता हूँ आपको, ये एक बार आपके अंदर बैठ गया तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं सेफ्टी क्यों करना है, इज इट क्लियर। इसमें क्या लिखा है, समवन इज वेटिंग एट होम, कोई आपके लिए घर में बैठे, कोई आपके लिए प्रतीक्षा में, सीधा मंत्र है सर एकदम सीधा सारा, जब आप घर से निकलते हो ना आपके पीछे आपके बीवी बच्चे माँ बाबा जो भी है वो आपके इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट, ये एक बार आपने दिल में बैठा दो आप अपने आप सेफ्टी को मानोगे, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, हम बाइक चलाते हैं, बट जब बेटा जाएगा ना उसको मैंने तो हेलमेट दिया तूने ये किया वो पूछेंगे, हम तो ऐसे याद रखें, तो ये थोड़ा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे देश में एक चीज है, ये हमारे अभी तक कल्चर में नहीं बना, फ्रेंकली स्पीकिंग में बोलता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग बोलता हूँ, कल्चर में नहीं बना है सेफ्टी के बारे में, हम लोग बोलते हैं अभी सर बोलेंगे विजय जी को पता है इतने साल से मैंने सेफ्टी का एक कंटिन्यूअस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे वहां पे तो पूरा डिवीजन बना हुआ रहता है, बट एक सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कोई भी जगह पे काम करता हूँ, हमारे जो आदमी जो काम करते हैं ना, मैं कोई लोग देखता हूँ काम कर रहे हैं ये नहीं है मास्क नहीं है जो भी है, ये तो छोटे छोटे चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये नहीं बना, मैं सेफ्टी का कैसा करना है वही बताऊंगा आपको, बट मैंने पूछता हूँ क्यों नहीं करता, अरे सर करूंगा ठीक है कर लूंगा, मतलब ऐसा है, मतलब एक आदत नहीं बना, आदत नहीं बना, ये आदत को डालना है, राइट। तो हम जब से जैसे आगे जाएंगे जैसे हम स्मार्ट करेंगे हम लोग ये आदत को बनाएंगे, तो सेफ्टी का वेरी सिंपल प्रिंसिपल ये है ABC ऑलवेज बी केयरफुल, जस्ट केयरफुल रहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको पूछूंगा सेफ्टी में आप करते क्या हो, क्या आंसर है आपको, क्या करते हो सेफ्टी के लिए, आप सब क्या करते हो सर, मास्क बैक्टीरिया जो केमिकल्स के निकलने वाले होते हैं वो भी पे अटैक कर पाए, दूसरा होता है कि करप्ट और तीसरा ये भी उनके सीज कर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बहुत ज्यादा हर बार की टाइप के इलेक्ट्रिकल बैग ओपन ही कर जरूर होती है, तो जो सेफ्टी में सबसे मेन चीज हमारे पास जो सेव करता है वो करता है शूज, शूज हो गया, मास्क हो गया, हेलमेट, तो मतलब हमने ये जो डाल देते हैं तो मतलब हम लोग सेफ हो जाते हैं, समझ गए, ये सब अगर डाल दिया, हेलमेट हो गया, शूज हो गया, मास्क हो गया, कुछ कुछ जगह पे लोग जैकेट पहना देते हैं, जैकेट से दिख जाते हैं, सेफ्टी बेल्ट हो गया,
ये हो गया, ये पहन लिया तो हम सेफ हो गए। सर दो पॉइंट, एक तो हो गया कि आपका फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन अपन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी के रिक्वायरमेंट है, सही बात है। और एक होता है बेसिक, जो अभी जैसे बोल रहे हैं कि बेसिक आपके हेलमेट जो गियर्स हो गए हेलमेट हो गए शूज हो गए, बट द मेन थिंग इज आपने शूज तो पहन लिया लेकिन आप कील के ऊपर जा रहे हैं, आप सरिये को आप पैर मार रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ सेफ्टी पॉइंट। फिर आपको आपने हेलमेट पहन लिया बट आप ऊपर आप इतना तो विजन कीजिए कि भाई सरिया रखा हुआ है आपके ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा, दैट शुड बी अ प्रॉपर मैनर है। एब्सोल्युटली यही पॉइंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इसलिए लिखा है सी क्या सी, अगर आपने इतना कुछ पढ़ भी लिया बट आपने रास्ते में से गिर गए, एक स्लिपरी रोड है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ऊपर से कुछ आपने ही सामान रख दिया जो गिरने वाला सामान ऐसे रख दिया, पर के मैं उधर से जा रहा हूं गिर जाएगा, तो आपको ये सेफ्टी बेल्ट और एनी चीज नहीं बचा सकता, शायद थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा पर क्यों नहीं बचा। पहले बात है हम जिस साइट के ऊपर काम कर रहे हैं पहले जाके उसके बारे में पूरा जानकारी लेना, यहाँ पे परेशानी वाला चक्करबाजी क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या है मेरा, ओके। सेफ्टी इज सिंपल एग्जांपल, सिंपल बात बोल रहा हूँ थोड़ा सा उसमें बता रहा हूँ, सेफ्टी इज नथिंग बट हाउ आउट यू आर डूइंग ए रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को आपने कैसे हैंडल कर रहे हैं, राइट। सेफ्टी इज मीनिंग ऑफ द रिस्क मिटिगेशन, सो रिस्क को जानना बहुत जरूरी है। ये काम जब मैं कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा हूँ, इसके साथ मेरे साथ क्या क्या रिस्क जुड़े, अगर मैं कोई जगह पे लैडर में खड़ा होगा, ठीक है ना, स्लिपरी है जगह, मेरा लैडर में मैं खड़ा होगा इधर से सब कट निकल गया, मैं पूरा गिरा, मेरा हेलमेट बदल दूं तो कुछ नहीं होगा, हमें तो रिस्क मिटिगेशन, तो रिस्क को पहला बार जानना जरूरी है, सिर्फ आपको नहीं आपके साथ जुड़े हुए लोगों को जानना जरूरी है, भाई ये है रिस्क यहाँ पे, ये चीज को पहले ठीक कर, जो जो चीज हमारे पास खराब है जिससे रिस्क हो सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करा, हमें अगर कोई इलेक्ट्रिक मशीन से आपको शॉक लगा, अभी वही का उससे मैं काम करा रहा हूं तो मेरे को कुछ भी करके उसमें शॉक लगेगा ही लगेगा ना, राइट, तो मैं पहले मशीन को ठीक करा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सेफ्टी में, हेलमेट से तो आपको पढ़ना ही है पहनना ही है वो तो लास्ट में है, तो सबसे बड़े है हम रिस्क को कैसे रखेंगे एंड रिस्क क्यों को, ठीक है। तो सेफ्टी में साइट सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, टूल्स इक्विपमेंट, कैसे केमिकल को हैंडल करना है, हर एक चीज को इंपॉर्टेंट देना है। साइट सेफ्टी में पहली बात है, जब भी आप काम करोगे जो भी छोटे से लेके बड़े तक, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है बहुत बड़े से, फर्स्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट है आपके पास इमरजेंसी नंबर, आपके वहां पे नहीं हो किसको कॉन्टेक्ट करना है, भाई तेरे को कुछ हो गया तो ये नंबर पे कॉन्टेक्ट करना, एक सिंपल से बड़े काम कर रहे हो तो वहां पे जैसा होता है ना साइट के ऊपर देखो आपने एम्बुलेंस का नंबर होता है, ये नंबर होता है, एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक छोटा सा फर्स्ट एड का होता है, कुछ का कट गया तो इमीडिएटली कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, बंदे नहीं होते साइट पे नहीं होते हो जाता है कट जाता है वो, फिर उसी को उसको सेफ्टी हो गया कुछ हो गया, तो एक छोटी सी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ये वेरी सिंपल थिंग है। तो सेफ्टी अपने आदमी के ऊपर अगर आपने नजर रखा तो अपने आपके साथ जुड़े हुए, राइट, तो सेफ्टी के फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी चीज। सेकेंडली लैडर सेफ्टी हर एक एरिया की, जैसे आपने बात कर रहे थे लैडर के ऊपर, मैं बोल रहा हूँ आपको लैडर के ऊपर जब खड़े रहेंगे ऑलवेज याद रखिए लैडर के ऊपर कभी भी, लैडर के ऊपर कभी भी हम खड़े आपको तीन सेक्शन में हाथ करके खड़ा होना है, राइट, कभी भी लैडर के टॉप में जाके खड़ा नहीं होना, ठीक है, आपको हमारा इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपल हो सकते हैं आप यहाँ से इधर देख सकते हो, तो आपको प्रोसीजर दिया गया लैडर जहां पे शिफ्ट करोगे लैडर का मिनिमम आपके डिस्टेंस जो है ये आपके मिनिमम एक फीट के डिस्टेंस में लैडर को बनना करना है, प्रॉपर उसको हुकिंग कीजिए, अगर ऊपर में चल रहे हो तो ऊपर से हुकिंग करा लीजिए लैडर, ठीक है, या नीचे कोई पकड़ के खड़ा है तो लेट इट बी देयर, वो ऊपर चढ़ा है तो यहाँ बोल बोल भाई क्या हो रहा है चल गया इधर से दिखा, ठीक है। तो लैडर सेट में सिंपल सिंपल चीज, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, हमारा बेसिक्स लेवल में जो चीज है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर सेफ्टी के ऊपर बोलने जाएंगे तो पूरा दिन भी चल सकता है, ठीक है, वेरी सिंपल चीज बोलना, जो हम करते हैं छोटे मोटे काम करते हैं उसी को कोई लागत है, कभी भी हमने स्कैफोल्डिंग टैंकी के ऊपर खड़े हो जाते हैं ना ऊपर उठ के काम करते हैं, अभी बारिश के दिन में काम हो रहा है या आपने दो चार दिन काम हो गया उसके ऊपर प्लैंक क्या होता है आपको स्लिपरी मिलता है, बंदे ऊपर चला वहां से ले गए, ओके, तो इसको ड्राई रखना है, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग होना जरूरी है, असेंबल कीजिए प्रॉपर्टी इसको, स्कैफोल्डिंग अगर छोटे भी है बड़े भी है प्रॉपर इसको असेंबल कीजिए, हम लोग बंबू लगा देते हैं, ठीक है ना, उसका नट्स प्रॉपर है कि नहीं, अभी 10-12 दिन का काम चल, बिल्डिंग में काम चल रहा है, वाटर प्रूफिंग काम चल रहा है, एक्सटर्नल वॉल का कोटिंग का काम चल रहा है, बड़े बिल्डिंग भी है हमारे, पूरा
30-45 दिन का काम चला, मैं एक बार इसका फंडिंग वाले को बुलाता है राइट ना, तो उसका जो रोज देखना, उसका कोई जगह पे नोट्स खुला नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये हो सकता है राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना, सैटरडेज को प्रॉपरली चेक कर लीजिए। सेकेंडली, जहां पे भी आपने ओपन टेरेस में काम करते हो, ओपन टेरेस में काम करने के पहले चारों तरफ से बैरिकेड कर दीजिए, किसी भी गिर सकते राइट, सिंपल बैरिकेड कर लीजिए। कितने एरिया के आगे तुमको जाना नहीं है, या कुछ लोहे का रॉड लगा लीजिए कि भाई तू देर तक काम करे, ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो ओपन एरियाज में बैरिकेड कर लीजिए। कोई जगह पे कैसे होता है, मैं देखता हूँ, लाइटिंग नहीं होता है, अपने अंडरग्राउंड में बेसमेंट में जाकर काम करते, ठीक है। अभी शाम को जाकर आपको चेक करना है, आपने तो पूरा दिन काम होगा, आप शाम को गए चेक करने के लिए, क्या होता है, होल्स पड़ा है, आपको दिखाई नहीं, वहां पे लाइट नहीं था, पेंट जल सकते अंदर, उसी टाइम फ्रैक्चर हुआ है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स हुए हमारे साथ जुड़े हुए। एक वाटरप्रूफर है, काफी दिन से हमारे साथ, काफी हाई लेवल है, अभी रिसेंटली कलकत्ता में एडमिशन नहीं है, 1-2 साल पहले उन्होंने चले थे एक बिल्डिंग में, 10-15 माले के बिल्डिंग में ऊपर चले थे काम देखने के लिए, वहां से बिकॉज ऑफ द स्टफ देखो ऑन द स्पॉट है, मतलब ये देखिए एक्सीडेंट एक सेकंड में होता है, ये बोल के नहीं आता, बट एक छोटे छोटे चीज है, मतलब लगता है ना, हमें लगता है अरे भाई चलता है, रोज करता हूँ, हेलमेट हाथ में लेके बाइक चला रहा हूँ, नॉर्मल है ना, ये क्वाइट नॉर्मल है, हेलमेट हाथ में लेके बाइक चलता है। ओके, मेरे बिल्डिंग में मेरे काम हो रहा था पेंटिंग का, मेरे विंडो के सामने बंदा आ गया, देखा कुछ सेफ्टी बेल्ट फेल कुछ नहीं है, कुछ भी बना नहीं है, ऐसे टक 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 करते हो गए, आदत है, रोज करता हूँ सर, रोज ही करता हूँ। ओके, मैंने सीधा बोला नीचे जा, काम मत कर, सब कुछ है, ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं है सेफ्टी हार्नेस है, सब कुछ है उसके पास, रस्सी है, सब है, आदत नहीं। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर जो मेरे बिल्डिंग में आए थे, उनके सामने उसका इंश्योरेंस पेपर टेपर सब कुछ जमा किया था, ईच एंड एवरी जितने लेबर काम करेंगे उतना सेफ्टी जाने सब कुछ लेने के बाद ही मैंने काम पे लगाया, पर आदत आदत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लोगों को आदत डाल, उसके लिए जरूरत पड़े तो प्यार से और डांट से दोनों से समझाइए, दोनों से समझाइए, मैं बोल रहा हूँ सिंपल चीज है, दोनों से समझाइए, प्यार भी होता है डांट भी होता है, देन देखिए आदत बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, ये तो बहुत कॉमन है, हमने कभी भी मशीन लेके जाता है ना वायर लेके डाल दिया चल, ये है ना, हाँ ये तो लोग बोलेंगे सर, मैं बोले ये सॉकेट लेके क्यों नहीं, ओ सर कहाँ का कैसा रहेगा पर पॉइंट क्या रहेगा, इसलिए सॉकेट नहीं लेते, ये रीजन देते हैं, हाँ फील करके करेगा क्या, एक छोटा सा वो ये लेगा उड़न का प्लैंक लेगा उसके साथ डाल देगा वायर के साथ ऐसे लगा देगा माचिस की खिल्ली लगा देगा, ठीक है, उसके ऊपर उसके कोई भी सिस्टम चलेगा। मैं सिंपल बोलूं भाई, एक सॉकेट का प्राइस कितने होते हैं, चल बहुत ज्यादा था 50 रुपए हो गया, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ सॉकेट क्यों नहीं होता है, आप ही तक देखा मैंने 5 तक करी तो समझ में नहीं आता क्यों है, एक बंदे ने मुझे बोला था सर इसका एक सॉकेट होगा, समझ में नहीं आता, ठीक है दो टाइप लगा दे, 3 टाइप लगा दे, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल टूल जब भी यूज कीजिए प्लीज मेक श्योर दैट वहां पे टूल्स प्रॉपर्ली हो। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, अपने आउटडोर हम लोग बारिश में काम करते हैं, हम लोग वाटर प्रूफिंग काम करते हैं, कोई यहाँ पे काम करते हैं, हमें तो ऐसा नहीं है एकदम इतना अच्छा जमीन मिलता है, खतरनाक जमीन मिलते हैं, पानी वानी भरे हुए मिलते हैं राइट। इलेक्ट्रिकल वो मशीन एक जगह पे केबल लगा हुआ आपको डाला है, हेलो एक वायर कभी भी आपको एक वायर मिलेगा नहीं, जितना दुनिया भर के ज्वाइंट होता है होता है कि नहीं, दुनिया भर के सब जगह देखेंगे आपने टेप लगा हुआ है, अंदर पानी गिरा हुआ है, उसके अंदर से वायर आता है, इसी की चमक में सोच काटने लगता है। ये छोटी सी पार्ट है, कुछ नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत सिंपल है, आप एक प्लैंक लगा लीजिए, बस 2-3 प्लैंक लगा लीजिए, उसके ऊपर से वायर को लेके जाओ या ऊपर बांध के लेके आप लगाओ उसको, ही करना लगाओ, ठीक है, मैं मानता हूँ आप लेके आपको सिस्टम अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगा, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा जो थ्योरेटिकली पॉसिबल, हम लोग साइट पे काम करते हैं हमें पता है क्या, ठीक है ना, बट ये छोटे से इसको इम्प्रोवाइज हो सकते हैं, आप पूरे किसको को लेके जाओगे ना आपको बॉडी करने थोड़े से चांसेस नहीं होते, आपको नॉन बनाता है। तो ये सारे चीज को ना कभी भी ग्राउंड से या इसके ऊपर से कहानी कहानी का दर्शन मत दीजिए। टूल्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, टूल्स जब हम कोई कंटेनर खोलते हैं कुछ भी चीज लेके कंटेनर, वो घर पे रहेंगे तो ये किचन का सांस भी लेता है,
या स्टूडेंट वाली लेते हैं कुछ भी चीजें नहीं बनते ना खोलने के लिए तो कुछ भी चीजें कैसे भी हो ओके आपके सर आपके तो डॉक्टर फिजिक्स का रिपोर्ट आता है अजीब पार्टी पैकिंग में आता है खोलने के लिए मेरी क्लास हो जाता है ऐसे भी बोलते थे ओके पीयू वाला आता है तो उसको खोलने के लिए मेरा दिल चला जाता है ऐसे ही करते बट प्लीज मेक श्योर दैट आप कभी भी कोई भी टूल्स यूज कीजिए प्रॉपर कंडीशन में यूज कीजिए मेजरली जो है इलेक्ट्रिकल लाइक ग्राइंडिंग मशीन एंड थिंग्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटा सा मिस्टेक से आपका हाथ कट सकता है कुछ भी हो सकता है राइट साउंड बहुत होता है मैं बोलता था कंक्रीट कटर जब चलाते हैं साउंड होता है उसको तो साउंड होता है राइट सुनाई नहीं देता है और मिस्टेक हुआ तो सब कट हो जाता है तो ये छोटे छोटे चीज को इम्प्रोवाइज करके ऑलवेज टेक केयर ऑफ द टूल्स पार्ट ऑफ इट एंड फाइनली जो आप लोगों ने बोला पर्सनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल सेफ्टी आपके जो सेफ्टी ऑगल्स जो आप है वो तो आपको पहनते ही है दैट इज आई अंडरस्टैंड मास्क इन्होंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इवन कोरोना के पहले से एक्चुअली कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग मास्क यूज करते हैं मास्क हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस था राइट ये हम लोग डस्ट में काम करते हैं वेरी सिंपल ठीक है ना ये रखिए इंपॉर्टेंट ये रखिए जब ये काम कर रहे हैं वहां पे काम के जगह पे कभी भी खाना अलाउ मत कीजिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है ओके सफिशियंट लाइटिंग के साथ काम कीजिए सही है क्या चलेगा ओके बाकी अगर केमिकल्स कोई भी यूज करें हमारे पास जो केमिकल्स में हम लोग ये लेवल पे बात कर रहे हैं नॉर्मली ऑल द वाटर बेस्ड केमिकल्स तो इतना आपके सॉल्वेंट बेस्ड केमिकल्स नहीं है कुछ जगह पे आपने थिनर्स कॉलर्स पे यूज करते हो कभी भी अगर वाटर प्रूफिंग केमिकल्स से हाथ से कुछ लगते हैं जलन होता है पानी से पहले फर्स्ट मुंह के अंदर कभी भी गया कुछ हुआ वॉमिट करने की कोशिश मत करना धो लीजिए अच्छे से नेवर ट्राई टू वॉमिट ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वॉमिट करने से ना आपको उल्टा हार्ट को वॉमिट मत करना पहले धो लीजिए अच्छे से फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर दिखा लीजिए ठीक है बट डोंट टेक इट होम वॉमिट करने का कोई जरूर है वॉमिट कर ऐसा मत कुछ कर लीजिए ठीक है हाथ अच्छे से धो लीजिए आंखें अच्छे से धो लीजिए बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है बट फिर भी बोलूंगा एनी केमिकल्स वाटर बेस्ड केमिकल्स भी हाथ धो के सब कुछ करना उससे बात राइट ये इंपॉर्टेंट कभी कभी ऐसा होता है कि तो भी जैसे काम में जो स्किन इफेक्ट होता है ना उनको जल्दी होता है मेरे को खुद को होता है ओके इसे मैं कभी भी होता हूँ सीमेंट यूज करने के लिए ग्लव्स पहनने की कोशिश करता हूँ अदरवाइज अगर ग्लास नहीं पहनना है ये सीमेंटिशियस में आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा कुछ भी हाथ धो लीजिए इमीडिएटली बाद में हाथ ये बोल एक चीज और भी होती है ना कि ग्लव्स काफी देर तक पहन के रखते हैं ना हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है अगर क्या होती है कि हमारा जैसे आपका से ग्लव्स पड़ी और फिर स्टाइल का संदर्भ चला गया समझ चला गया तो वो पहले भी ज्यादा तुलना में वो उस समय सबसे ज्यादा काटेगा जिसमें सीमेंट का मारा ग्लव्स पहना होगा सही बात है सही बात है इलेक्ट्रिकल मशीन जब यूज कर रहे हो रबर ग्लव नहीं यूज करना ठीक है कॉटन ग्लव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला तो कोई लोग देखे काम हो रहा है रबर ग्लव भी हो रहा है ग्राइंडर कर रहे हो भी रबर ग्लव के साथ नहीं बनेगा ओके ऑलवेज कॉटन ग्लव ठीक है तो ये याद रखना बाकी ये हम तो दो साल से बात कर रहे हैं बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है जहां भी जाइए टेक योर पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट ठीक है पर्सनल सेफ्टी मेंटेन कीजिए ये नहीं बोलूंगा मैं गोइंग टू हैपन टू मच नहीं बट ऑलवेज सेफ्टी मेंटेन करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ठीक है तो एनीथिंग व्हेनेवर साइट के ऊपर हो साइट का यूज करने के बाद सैनिटाइज कर दीजिए टूल्स को सैनिटाइज कर दीजिए ओके सैनिटाइज करके मॉर्निंग में एक बार सैनिटाइज करना उसके बाद नेक्स्ट डे के शुरू करने के पहले एक बार सैनिटाइज कर लीजिए वो अच्छे रहते हैं हमारे अच्छे रहते हैं राइट ठीक है तो फंडामेंटली बी सेफ हम यहाँ पे जो 5 दिन काम करेंगे जितने भी काम करेंगे ऑलवेज ख्याल रखना है जो जब आप आपके वर्क जोन में पहुंचेंगे या बाहर हम लोग जब फील्ड के ऊपर काम करेंगे यहाँ पे प्लीज इंश्योर दैट सेफ्टी फर्स्ट है ठीक है सब लोग इंश्योर कीजिए जो हम ग्रुप में काम करेंगे ग्रुप के अंदर ये इंश्योर करना है एक बंदा जो ग्राइंडर चला रहा है दूसरे बंदे को नजर रखना है ये जरूरी है आप लोग बंदे रखिए तो दैट उसके हाथ से वैट होना कट हो जाए वैट कितना हो जाए हाथ में ठीक है प्लीज इंश्योर दैट ठीक है चलो सो दिस इज वन
सपोज पीस रहेगा वाटर प्रूफिंग प्रिंसिपल्स एंड दिस थिंग्स, ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वाटर प्रूफिंग का काम हम कर रहे हैं. बट वाटर प्रूफिंग जब हम कर रहे हैं हमें कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स टनल वाले जानना जरूरी है. बिल्डिंग के अंदर घर के अंदर से पानी कहाँ कहाँ से आते हैं ये जानना जरूरी है. कौन से एरिया इंपॉर्टेंट, ओके, एंड उस जगह पे हम लोग उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो ये आपने पिक्चर काफी बार देखी, नया पिक्चर नहीं है. घर बनते हैं, घर कुछ दिनों में कुछ सालों में धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाता है. काफी सारे रीजनिंग है, काफी सारे कारण है, एंड जो धीरे धीरे उसका और भी प्रॉब्लम्स होता है. जैसे पानी आने से सिर्फ डैमेज नहीं होता है, आगे आगे जाके क्रोशन लास्टिंग और प्रॉब्लम शुरू होते हैं, राइट ना. कारण बहुत सारे, कारण सिर्फ ये नहीं है जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस खराब है. मटेरियल सिलेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर हमने हल्का मटेरियल, हल्का सैंड, एग्रीगेट, ये मटेरियल प्रॉपरली नहीं दिया, ये भी इशू होता है. तो एक चीज है, बिल्डिंग खराब क्यों होते हैं, ये जो हम लोग बात करते हैं ना, ये जो मेंटेनेंस डिमांड करते हैं, रिपेयर डिमांड करते हैं, बिल्डिंग खराब क्यों होते हैं. एक शुरू होते हैं, खराब शुरू होते हैं एकदम फॉर्मेलिटी स्टेज से. जब हम बिल्डिंग को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ना हमारे पास आर्किटेक्ट होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, डिजाइन होता है. एक सिंपल बोल रहा हूँ, सिंपल आईएसबी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी बिल्डिंग का तो बहुत बड़े बात है. डिजाइन देते हैं, डिजाइन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको करता है. डिजाइन के टाइम पे काफी सारे चीज डिजाइन जो होते हैं ना, जिसमें वाटर प्रूफिंग के अगर हिसाब से देखा जाए, एक सिंपल चीज है, बॉक्स छज्जा देते हैं, छज्जा होते हैं बॉक्स टाइप होते हैं. बॉक्स टाइप छज्जा आप लोगों को सबको पता है कितना इशू होता है बाद में जाकर, बट आर्किटेक्चर के हिसाब से अच्छा लगता है, ठीक है ना. ये जो डिजाइन से शुरू हो जाता है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम डिजाइन से शुरू हो जाता है, राइट. सेकेंड प्रॉब्लम आता है हमारा कंस्ट्रक्शन लेवल. कंस्ट्रक्शन लेवल पे हम लोग छोटे छोटे चीज को हम लोग मायने नहीं रखते हैं. हम लोग कभी कंस्ट्रक्शन टाइम पे प्रॉब्लम करते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइम पे हमने मटेरियल को अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया, सैंड आ गया हमारा, जो रेती आ गया, रेती बालू आ गया, कहाँ से आ गया, उसके अंदर कितना सिल्ट है, ये है वो प्रॉब्लम हम देखते नहीं है, यूज कर लेते हैं, चलो एकदम मास है, मास में कंट्रोल आया, उसके बाद इशू शुरू हो गया. तो पुअर कंस्ट्रक्शन है. सेकेंडली हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन तो सबको पता है, गर्मी ठंडी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होता है हमारे देश में, अलग अलग देश की जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक सिचुएशन है, तो उसके लिए हमारे बिल्डिंग खराब होते हैं. तो इसलिए प्रॉब्लम्स काफी सारे हैं जो हमारे बिल्डिंग को खराब करते हैं, धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं. वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट इज लो मेंटेनेंस, अवेयरनेस नहीं है कस्टमर का. अपना घर है तो फिर भी हम समझ सकते हैं. अभी देखिए ना, बड़े बड़े बिल्डिंगों में आप जाइए, डिपार्टमेंट्स में जाइए, कोई जगह पे रिपेयर करना है, कोई जगह पे लीकेज हो रहा है, चलो इस साल फंड नहीं आते, अभी फंड नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे. अभी वो प्रॉब्लम आपने जितना छोटे में था उसको और बना दिया आपने. तो ये मेंटेनेंस पार्ट है, वो भी हम लोग टाइम पे नहीं करते, एंड वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम. तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे, जो आप लोग वाटर प्रूफिंग के घर के अंदर देखते हैं नॉर्मली, ये जब घर बनाते हैं पांचों जगह से नॉर्मली पानी आता है, तो आप लोग को जानते हो. मैं इसलिए ये सब पार्ट में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग डॉक्टर पी सी के तो ये सब कम्युनिकेशन आपने बहुत बार सुना है, ठीक है. बट सिंपल बात हिसाब से फिर से बोल रहा हूँ, घर के अंदर कहाँ से पानी आ सकता है, जब मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, पानी आने का वो पांच जगह है जहां से वो पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं. कहाँ पे आते हैं कॉन्टेक्ट में, जब घर बनता है पहले हम लोग जाते हैं फाउंडेशन लेवल, राइट, फाउंडेशन लेवल पे जाते हैं. फाउंडेशन लेवल पे जब हम जाते हैं हम उसको एक्सकैलेट करते हैं, वहां पे हम लोग फाउंडेशन करते हैं, हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, जब फिर सॉइल फिलिंग करते हैं वहां से पानी आ सकता है, सॉइल से अंदर से पानी आ सकता है, एक नंबर. सेकेंड, ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर चल सकता है. तो एक है अंडरग्राउंड लेवल, जितने भी लेवल हो आपके छोटे घर से लेके बड़े कंस्ट्रक्शन तक, अंडरग्राउंड एरियाज आर ऑलवेज रिक्वायर्ड वाटर, राइट. फर्स्ट थिंग, ऊपर के एरियाज में रूफ, एक्सटर्नल वॉल्स, ये तो आपके सरफेसेस है जिसमें पानी डायरेक्टली रेन से लग रहा है, उसके अंदर रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है, रूफ के ऊपर पानी डायरेक्ट गिरता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे रेनफॉल होता है उसके ऊपर, ठीक है ना, ज्यादा होता है. और जो जगह होते हैं, जो
दो मेन जगह होता है जहां पे पानी का यूज होता है, एक है हमारे बाथरूम एरियाज, वेट एरियाज, और जहां पे हमने पानी को स्टोर करते हैं, वाटर टैंक, राइट। तो ये जो जगह है जहां पे वाटर प्रूफिंग करना ही करना है, हमारे तरफ करना ही करना है, बाकी जगह तो ठीक है, मैं ये जगह करना ही करना, जहां पे पानी के टच होगा वहां पे मुझे वाटर प्रूफिंग करना है, ओके। तो ये जो पांच जगह है ये हमें वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा, एंड जिसमें हमने ये सब प्रॉब्लम्स देखते हैं, कोई अगर राइजिंग डैम्पनेस, कोई अगर लीकेज डैम्पनेस, ये देखते हैं। हाँ, इसमें पहले मैं आपके जाने के पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने तीन चीज लिखा है, एक है लीकेज है, एक है डैम्पनेस है, और एक वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग, लीकेज सीपेज डैम्पनेस, लीकेज सीपेज डैम्पनेस आप वाटर प्रूफिंग करते हो ना जी, ठीक है, अब साइड के ऊपर हो, किसको लीकेज बोलेंगे, किसको सीपेज बोलेंगे, किसको डैम्पनेस बोलेंगे। सबसे पहले होती थी जो हमारी कान की जो डैम्पनेस होती है जो कभी कभी आती है, और जो सीपेज होती है, जो सीपेज होती है वो लीकेज के बाद जो आगे और चीजों पे जाते बढ़ती है, वहां पे हमें पता चलता है यहाँ सीपेज पेन कहीं से आ रही है, उसका दिखता कैसे सीपेज जो है वो सीपेज उसमें दिखाई देता है इस तरीके से, जैसे या तो कुछ बेड टाइप होगा, नमी टाइप होगी, और उसके जो कलर्स और हमारे पेंटिंग का कलर या कुछ भी चीज है वो किस कलर हो जाते हैं, कलर फेड हो जाती है, हमें पता चलता है यहाँ पे सीपेज जा रही है, अगर अन इंटरनल है तो वहाँ पपड़ी बन जाती है, थोड़ी थोड़ी सी पपड़ी बनती है, फंगल से आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। और जो डैम्पनेस है, डैम्पनेस अगर एक दिन आया, दो दिन आया, कभी आया, उसके बाद सूख गया तो वहाँ से कलर फेड हो जाता है, बहुत दिनों के बाद फिर वहाँ पे थोड़ा सा गैप हो जाता है, पेंट और दीवार के बीच में गैप हो जाता है, आवाज चेंज हो जाती है, ओके। मानते हो सब लोग आपको, यही है और कोई दूसरा है अपनी कोई अंतर है किसी का, सीरीज का तो सर ये मेन चीज हो गया ना, मेरा सीरीज का मेरे तो एरिस, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका सेम ये हो गया। लीकेज है सबसे मेन, राइट, लीकेज में कंटीन्यूअस फ्लो, ये इन्होंने बोला है कंटीन्यूअस फ्लो है, इन्होंने भी बोला,
कंटीन्यूअस फ्लो हो रहा है, जैसे आपने बोला बाथरूम ऊपर है या वाटर टैंक है उसके सामने नीचे से लीकेज हो रहा है, ओके बेसमेंट में लीकेज होता है क्योंकि पानी डायरेक्ट आ जाता है राइट, इसको होता है लीकेज। इसमें कंटीन्यूअस आप देखोगे तो धीरे 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 पानी कंटिन्यूअस गिर रहा है, ठीक है ना, जिसमें कंटिन्यूअस पानी आ रहा है क्योंकि उसके पीछे सोर्स है, सोर्स एकदम उसके क्लोज है, वहां से पानी आ रहा है। सीपेज में क्या होता है, सीपेज में आपके सोर्स कोई जगह पे है पर आपके पानी एग्जैक्टली कोई पॉइंट से नहीं मिल रहा है, वो क्या हो रहा है, एक जगह से आपको एक ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ, उसके बाद और एक ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ, ऑकेशनल ड्रॉपलेट जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब ड्रॉपलेट जैसे फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं सीपेज। क्या हुआ, पानी एक जगह से अंदर से आया, ओके एक सिंपल एग्जांपल, छत के ऊपर वाटर टैंक है उसको और पानी जमा हुआ है, वो पानी वहां से जम के पूरा रूप के अंदर से आके जहां से उसको वीक पॉइंट मिला उधर से उधर टपकना चाहिए, ठीक है, तो ये अंदर से सीप होके आए इधर निकली, तो होते सीपेज, ठीक है। डैम्पनेस में क्या हुआ, जैसे आपने बोला नमिया जमीन से आता है या नमिया बाहर के विंडो के कॉर्नर से आता है, ज्वाइंट से आता है, काम करके आपको एक पानी नहीं दिखेगा, ना आपने कंटिन्यूअस पानी दिखेगा, ना ड्रॉपलेट दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आइदर डब्बा दिखेगा या अदरवाइज आप हाथ लगाओगे तो आपको दिले मिला जाए, आपको लगेगा उधर कुछ वेट, राइट, ये है डैम्पनेस। अभी तीनों में डिस्टेंस क्या है, एक में ज्यादा है एक में मीडियम है, ठीक है ना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीनों का जो हमारा रिपेयर करने का तरीका है ना, तीनों अलग। अब लीकेज को डैम्पनेस का आपको पता है क्या, प्रोडक्ट हम लगाते हैं कोटिंग कोटिंग लगाते हैं, हम प्रोडक्ट लीकेज में कर सकते हैं नहीं कर सकते, सीपेज में अलग तरीका है, पानी अंदर से आ, ठीक है ना, आप ना कोई कोटिंग लगा सकते हो ना वो जगह को भी आप कर सकते हो, वैसा कर सकते राइट, ओके यस। तो आपको तीनों का तरीका अलग है, इसीलिए ये जानना पहले जरूरी है किसको लीकेज बोलेंगे, किसको सीपेज बोलेंगे, किसको डैम्पनेस बोलेंगे, ओके okay? ये सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है, देख के मुझे समझ में आना चाहिए इसके पहले, उसके बाद तो डेफिनेटली मैं कॉज एनालिसिस करूंगा, उसको ढूंढूंगा कहां से आ रहा है वो प्रॉब्लम को डेफिनेटली कर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिल्डिंग के अंदर घर के अंदर मेजरली जो अंडरग्राउंड लेवल से पानी आता है कहां से आता है, प्लिंथ लेवल, आप लोग जानते हो प्लिंथ लेवल किसको बोलते हैं, प्लिंथ लेवल जो एरियाज होते हैं हमारे जो ब्रिकवर्क्स होते हैं, आपके जब कंस्ट्रक्शन होते हैं जो प्लिंथ लेवल का ऊपर के एरिया होते हैं उसी जगह से जो ब्रिकवर्क मैशनरी होता है बेस ऑफ द वॉल के नीचे जो मैशनरी होता है प्लेन बीम के से ऊपर से जो वॉल हमारा मैशनरी वॉल होता है उसी जगह को, तो ये जगह से जब पानी आता है आपको पानी जैसे उठ के राइजिंग डैम्पनेस दिखते हैं, आप लोग राइजिंग डैम्पनेस जिसके लिए हम लोग डैम प्रूफ कोर्स करते हैं, आप लोग सब बोले ही अभी, तो ये प्रॉब्लम अपने को दिखता है राइट ना, तो ये होता है ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम, जो बेसिक अंडरग्राउंड लेवल पे ये प्रॉब्लम हमें दिखता है। सिमिलरली जब हम रूफ के ऊपर या वेट एरियाज में जाते हैं, बाथरूम में किचन्स में जाते हैं, ये जो एरियाज है ये हमारा क्रिटिकल प्रॉब्लम एरियाज है राइट, ओके। एक होते हैं आपके प्लंबिंग के लाइन, अगर ओपन प्लंबिंग हो या कंसील प्लंबिंग हो कैसे भी हो उसके जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विजय जी बोल रहे थे प्लंबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड स्पेसिफिकली वो एरियाज में जहाँ पे प्लंबिंग के सेक्शन जैसे बाथरूम में जाते हैं, क्योंकि उससे आपका 80-90% प्रॉब्लम उसी के साथ है, सही है कि नहीं, है ना। तो प्लंबिंग एरिया, आपका आउटलेट एरिया, आपके जो नाली ट्रैप एरिया, ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां से पानी से जाते हैं, ओके। तो जब भी हम वाटर प्रूफिंग करने जाते हैं पहला देखना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी क्या होता है वाटर प्रूफिंग होता है आपने बाथरूम है, बाथरूम के साइड वाला वॉल से अपने डैम्पनेस, ओके। अभी कस्टमर को बोलेंगे मैं बाथरूम का ट्रीटमेंट करने जाऊंगा, कस्टमर तो रेडी नहीं, पूरा तो रहेंगे कौन, खर्चा लगाया उन्होंने, अच्छा खासा टाइल्स लगा है, अच्छा खासा फिक्सचर दिया है, ये प्रॉब्लम्स आते ही हैं, पर हमें ढूंढना जरूरी है, हमें ढूंढना जरूरी है। कल के तारीख में आपने वॉल को किसी ने बोला कुछ नहीं मैडम करो, कोई आके बोल देंगे उसको निकाल के अगर तो कोटिंग करके, हम भी बोलते हैं हम भी प्रोडक्ट है हमारे पास योर सेल है ये, आप लोग भी आते हो प्रोडक्ट को, ठीक है ना, पर सोल्यूशन प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है देखना जरूरी है, तो हमें उसको सोल्यूशन उस हिसाब से देना पड़ता है कस्टमर को, ठीक है ना, हम कैसे उसको करें ये कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग भी समझना जरूरी है। मैं उसको पहला दिन जाके ही बोलूंगा पूरा के पूरा आप बाथरूम पे टाइल्स तो लो, कस्टमर बोले आप जाओ उससे देखता हूँ भाई, ओके। इसीलिए हमें सोल्यूशन के इंटेंसिटी जानना जरूरी है कहाँ से हो रहा है, अगर मेरा प्रॉब्लम सी एसोसिएटेड है मेरा ये नानी ट्रैप के जॉइंट से, तो मैं नानी ट्रैप जॉइंट के लिए पूरा बाथरूम खोलने की जरूरत नहीं है, हाँ ये नहीं, ओके मुझे वो देखना जरूरी है कि मैं कैसे कर सकता हूँ उसको काम। सिमिलरली जब मैं रूफ के ऊपर जाता हूँ, रूफ के साथ एसोसिएटेड इश्यूज मेजरली होते हैं तो रूफ एरिया है, बारिश गिरते हैं ये प्रॉब्लम्स है, बट रूफ के साथ एसोसिएटेड काफी सारे एरियाज है
जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, आपके जो वाटर टैंक्स का जो एरिया है, जो वाटर टैंक के नीचे का एरिया इंपॉर्टेंट है, देन आपके एरिया जहां पे आपके पानी उसके क्रैक से आता है, जॉइंट से आता है, बेस स्लैब से आता है, या आपके जितने भी आपके एरियाज, आप स्टैंड हो गया आपका, अगर फिक्स्चर जॉइंट्स हो गया, ये जो जॉइंट्स है आपके अंदर एक्सटेंडेड कॉलम्स का डाल घर बनाया, कॉलम को ऊपर सौंप दिया, ओके, जितने भी अपस्टैंड है आपने वहां पे आजकल सोलर डीजल लगाते हैं लोग, सोलर हीटर्स लगाते हैं, लगा दिया, हमारे होते हैं वाटर कूलिंग करने के बाद लगा दिया, सीढ़ी लगा दिया, लोहे का सीढ़ी लगा दिया, उसको जहां पे नहीं किया है वहां से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो प्रॉब्लम एरियाज वही एरियाज है, आपको देखिए ऐसा मैं एक चीज बोल रहा हूँ, कॉन्क्रीट के थ्रू पानी ऐसा नहीं जाता, बहुत बेकार अगर कॉन्क्रीट नहीं होगा, और आपने अगर पानी उधर टेक्निशियन नहीं दिया, पानी अगर रुका नहीं है ना, थ्रू एंड थ्रू कॉन्क्रीट से पानी ऐसा नहीं जाएगा कॉन्क्रीट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। पर पानी कहाँ से जाएगा, पानी वही जगह से जाएगा जहां पे वो आपके डायमेंशन चेंज कर, डायरेक्शन चेंज कर, जहां पे जॉइंट्स मिल जाए, जहां पे जॉइंट्स मिल जाए वही से ही पानी जाने का जगह होता है, जैसे पैराक्विट वॉल का जॉइंट है, कोई भी अपस्टेंस रहेगा उसका जॉइंट होता है, तो वो इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाता है, तो जहां पे जाकर पहला मैं ढूंढते रहना ढूंढना पड़ेगा जहां से पानी जाने का रास्ता, ओके, तो ये पहला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटलेट पॉइंट, आउटलेट पॉइंट्स का मतलब मैं जो बोलता हूँ ना, और 80% ऑफ द केसेस में देखता हूँ, एग्जांपल का एक घर मंदिर था, एक टेंपल हमारे, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, नवी मुंबई में मैं गया था, वहाँ पे काफी बड़ा टेंपल था, तो उन्होंने बोला उनके पूरा अंदर का जो वॉल था ना पूरा डैमेज, वॉल में डैमेज है, तो उन्होंने दिखा आपको पूरा डैमेज, ऊपर छत में देखा, हमने जस्ट अभी लास्ट मंथ में पहले हमने ओला वाटरप्रूफिंग किया, अच्छे से रिपेयर आईपीएस के साथ उन्होंने किया था वाटरप्रूफिंग, ऊपर जाकर देखा काफी अच्छा है, हम लोग कह रहे हैं कौन सा टाइम मैं बोल रहा हूँ आपको, दिसंबर जनवरी के इस टाइम पे मैं गया, ठीक है, एकदम शाइनिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने गया, चलो एक बार देखता हूँ कुछ क्रैक्स है, क्रैक हो जाए, नहीं अच्छा, जो ड्रेन एरिया था जहाँ से आउटलेट एरिया का कॉर्नर था ना, वहां देखा मैंने ऐसा थोड़ा सा जैसे मटी होता है ना ऐसे जमा हुआ है, राइट, तो मैंने उधर देखा तो एक जगह में निकाला मैंने, तो वहां पे उसका क्रैक था, मतलब जो आउटलेट का पोजिशन थे एकदम साफ, ओके, तो प्रॉब्लम क्या था, नॉर्मली आप देखेंगे जब स्लोप होता है ना, स्लोप ऐसा है, और यहाँ आपका आउटलेट होता है, ठीक है, स्लोप को होना क्या चाहिए, स्लोप आके आउटलेट के अंदर तो स्लोप को एक साथ अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट, जो स्लोप सीधा डाउनलेट पाइप के साथ जाना चाहिए, लोग क्या करते हैं स्लोप देते हैं, स्लोप देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये एरिया को फ्लैट छोड़ते, समझ रहे, ये आउटलेट है मेरा, ये मैं चल रहा है, स्लोप यहाँ आया ऐसा तक जाता है, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना मुझे पूरा माटी मिला चार पांच जगह, और वहां पे क्रैक भी था, तो पानी वहां से बन जाता, दिस इज वन केस, एक केस मैं बोलता हूँ, दूसरा एक केस था वाटरप्रूफिंग अच्छा कर सकते, आउटलेट पाइप था, ठीक है, आउटलेट पाइप जो है उसके अंदर हो पानी जा रहा है सीधा, अभी आप बात तो अच्छा खासा वर्क नहीं करते, रूफ को एकदम बढ़िया कर दिया आपने आउटलेट पाइप के अंदर, हम तो कितने लोग हाथ डाल के देखते थे पाइप, ठीक है, नहीं देखते कोई नहीं देखते, बट इसे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक, वेरी इंपॉर्टेंट चेक, मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरे को खुद को जाना पड़ा, मैं सब जगह पे बात पहले मैं आउटलेट ड्रेन को देखता हूँ अच्छे से, ड्रेन पे पूरा सरफेस उसमें तो फटा नहीं है, आपका पानी जा रहा है वही पानी आपके पैराकेट वॉल को लेकिन की चला जाएगा, आपने बहुत अच्छा वाटर प्रूफ कर दिया, मैंने भी देखी सर इसको आया था, या मैंने ये मतलब पुराना स्ट्रक्चर था उसको 35 इयर्स पुराना हो गया, तो उसका टेरेस स्पेस स्लैब में से उसमें से लीकेज होता था, बट वो कुछ कुछ पोर्शन पे जैसे कि वॉल्स पे भी साइड में नहीं आता था इस तरह से, मतलब वो मार्क्स दिख रहे थे, तो मैंने सबसे पहले जो इसका टेस्टिंग किया, मैंने पहले पॉन्ड टेस्टिंग किया बिफोर ट्रीटमेंट, और पॉन्ड टेस्टिंग के लिए दो ओनली सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, मैंने उसका जितने भी आउटलेट जो पाइप थे उसको मैंने नीचे से प्लग कर दिया, उसको पूरा पॉन्ड करके और पूरा पाइप फिल कर दिया, सही बात, जिससे कि अगर पाइप में कहीं कोई लीकेज है
क्या करते हैं ऊपर से बंद करते हैं। प्री-पॉन्डिंग टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग मिस करते हैं, मैं तो बोल रहा हूं बहुत लोग मिस करते हैं। प्री-पॉन्डिंग टेस्ट एक इंपॉर्टेंट होता है, प्री-पॉन्डिंग टेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन में रहता है। ओके, ओल्ड कंस्ट्रक्शन में प्री-पॉन्डिंग थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी लीकेज हो गया। ओके, प्री-पॉन्डिंग टेस्ट ऑलवेज न्यू कंस्ट्रक्शन में जब आप वाटर प्रूफिंग करते हो प्री-पॉन्डिंग मस्ट करना, ठीक है? आपको पहला पता चलेगा आपको कंक्रीट के अंदर क्या है। सर ये प्री-पॉन्डिंग टेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन का तो ये जॉब नहीं है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो तो आपने अभी कोटिंग करोगे उससे पहले पहले देख लीजिए कॉन्क्रीट का क्या है, पहले प्री-पॉन्डिंग टेस्ट। कॉन्क्रीट के ऊपर पानी रुक तो नहीं रहेगा, राइट? मतलब स्पेसिफिकली रुक रहा है, मतलब ठीक है रुक रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरा स्क्रीड में आ जाएगा, ठीक है? दैट इज नॉट एन इशू। मतलब कि कॉन्क्रीट के ऊपर अगर स्क्रीड के ऊपर है वो मैं देखना जरूरी है कि स्क्रीड के ऊपर अंडूरेशन क्या है, स्लोप बराबर है क्या नहीं है, ठीक है? तो प्री-पॉन्डिंग टेस्ट ये मैं एक आइडिया देगा। सेकेंड आइडिया देगा आपको लीकेज हो रहा है कोई जगह से पानी जा रहा है। ओके, तो प्री-पॉन्डिंग टेस्ट चेक करा लीजिए, ऑलवेज करना इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा नीचे से कि कौन सा जगह पे आपको पोटेंशियल फ्लेक्स एरिया, राइट? उसके बाद आप सिक्योरिटी रूफ के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वाइट कॉमन है कि रूफ का बिजनेस ही, मतलब हमारा रूफ का बिजनेस ही काफी बिजनेस होता है, एक्सटर्नल वॉल्स एंड रूफ, ये मेन धंधा होता है हमारे, राइट? ये मेन धंधा होता है हमारे, ठीक है ना? तो बाथरूम का तो इश्यूज है, वो तो अगर कोई चैनल करते हैं अगर बाथरूम का प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि रूफ का वर्क है। हां, एक्सटर्नल वॉल एरिया में प्रॉब्लम कहाँ होता है? वॉल एरिया में प्रॉब्लम आपको बोलता हूँ, देखिए प्लास्टर एक है या वो सब तो अलग है, एक मेजर प्रॉब्लम कहाँ होता है ना, आपका जो बिग मोर्टर का जो ये जॉइंट्स है, ये जो जॉइंट्स है ना, आपने एक लटका लगाया बीच का जो जॉइंट्स है वहां से पानी जाने का चांसेस होते हैं बिग मोर्टर, क्योंकि मोर्टर जो डालता है मैसनरी काम करते हैं, आपने देखा ही होगा उसने क्या करता है, मोर्टर डालता है लेयर बाय लेयर उसके ऊपर बिग फेस करता है, ठीक है? वो जो बिग मोटर का मोटर होता है, जो मोटर ग्रेड मोटर होता है, ग्रेड मोटर को कैसे भी बना रहे इसका वाटर के साथ, तो वो लीकेज पॉइंट होता है। तो हमने वाटर प्रूफिंग में उसको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले सील कर, उसको सील करने के बाद हमें बाकी का कोटिंग से अनाउंस करें, ठीक है? बाकी काफी सारी चीज हमें पता ही है, मेन इंपॉर्टेंट जब एक्सटर्नल वॉल एरिया में आपके छज्जा का एरिया है, छज्जा के कॉर्नर जॉइंट्स है जो एरियाज है, प्लास्टर्स छोड़ देता है, विंडो फ्रेम का जॉइंट्स है जहां से पानी अंदर जाते हैं, राइट? देन आपके सेपरेशन गैप, ये बहुत बड़ा क्रिटिकल लोकेशन है, ये जो लोकेशंस है ना, ये आपके वर्टिकल सेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेक्शन में बीम एंड ब्रिक वॉल के जंक्शन, बीम एंड ब्रिक वॉल के जंक्शन में से पानी अंदर आते हैं, और आपको देखेंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है प्रॉब्लम, तीनों चारे प्रॉब्लम एक ही जैसा आपको सरफेस के ऊपर दिखता है। आप देखो डैम्पनेस होता है, कहां से डैम्पनेस शुरू होता है वॉल में, तो भी रिपोर्ट भी कस्टमर के एंड में जाएंगे, डैम्पनेस कहां दिखता है, स्टार्टिंग के ऊपर, समझ गए? स्टार्टिंग के ऊपर ही आपको एक डेढ़ फीट का पानी वो डैम्पनेस दिखेगा सब जगह ऑल कोई भी कस्टमर एंड में, कोई केसेस में आपको पीछे तीन फीट तीन चार फीट वही पे दिखेगा, तीन चार फीट तो कोई जगह में जाना है, अभी ये पानी कहां से भी आता है, हां लोग घर पूछते हैं पूछते हैं ये जो टाइप से जॉइंट है ना पानी अंदर जाता है कोई पानी वाटर एक पहला जो फ्लोर लेवल पे टाइल के जॉइंट से पानी अंदर जाते हैं ओके टाइल के जॉइंट को देखते नहीं है खुला रहता है कोई जगह पे जमते जाता है अभी वो पानी जाएगा किधर नीचे कंक्रीट
नीचे तो कंक्रीट पड़ा हुआ है राइट, कोई यहाँ कंक्रीट कंक्रीट के ऊपर अपने अच्छा खासा कंक्रीट का पानी अंदर वहां पर घुस नहीं पा रहा है, सीधा माइग्रेट कर रहा है दीवार से जाकर, एक ये रीजन होता है। सेकेंड रीजन आपका राइजिंग डैम्पनेस, आप लोग जानते हो अगर ग्राउंड लेवल है तो राइजिंग डैम्पनेस होगा, वो भी वही से दिख रहा है राइट। थर्ड कहाँ से आ रहा है, दीवार के वॉल ये वॉल आपके कॉन्क्रीट एंड मशीनरी वॉल का जॉइंट है, वहां से भी पानी आ रहा है, वही में घूम रहा है। बीम ब्रिक वॉल के जॉइंट वो भी पानी अंदर जाके ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू पूरा वॉल से आ रहा है, वही पे आके जमा हो रहा है राइट। ओके, विंडो फ्रेम से पानी आ रहा है, वहां से भी जॉइंट से पानी आ रहा है, वो भी आके वहां पे आ रहा है। इतने पांच छह रीजन के जगह आपको दिख क्या रहे, आपको विजिबल ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ही जगह पे डैम्पनेस है। हम जब ऑपोजिट सोचिए आपको ऑब्जर्वेशन से डैम्पनेस दिख रहा है स्टार्टिंग के ऊपर, अभी आपको पकड़ना है अभी की ऑल केसेस आर डिफरेंट। एक में आपको सेपरेशन के अपने काम करना है, एक में विंडो फ्रेम के ऊपर काम करना है, एक आपके ग्राउंड लेवल से पानी आ रहा है, एक है टाइट जॉइंट से पानी जा रहा है, पांचों कारण से एक ही जैसा ऑब्जर्वेशन। कोई जगह पर राइजिंग डैम्पनेस सोच के नीचे से मारता है, बाकी का ठीक नहीं किया, तो इसीलिए ढूंढना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम हैगा, प्रॉब्लम हैगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई जगह पर मल्टीपल रीजन होते हैं, ऐसा नहीं है एक ही रीजन से होगा, मल्टीपल से होता है, पर आपको प्रॉब्लम ढूंढना जरूरी है। ओके, इसको प्रॉपरली कैसे किया जाए, कस्टमर तो बोलेंगे भाई इसको क्या है, कुछ नहीं है, ये तो कर दोगे उसको भी निकाल, कोई बोलेगा फिर ट्रेन मार के चले जाओ, पर हम वाटर प्रूफ है, हम पे इधर हमें हम वाटर प्रूफ है, हमें इसको सोल्यूशन देना है, हमें सोर्स को ट्रीट करके सोल्यूशन देना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे अंडरस्टैंड करना, उसको समझना पानी कहां से आ रहा है, ठीक है। हम अगर कल की तारीख में जब काम करेंगे, हमारे लोग ऐसा, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो लोग हैं, हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए, समझना जरूरी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लंबिंग जॉइंट्स ये बहुत क्रिटिकल है, ये काफी जगह पे मैंने देखा, बिल्डिंग लाइन के साथ प्लंबिंग लाइन का एकदम लगे हुए, अब ये तो पुराना हो जाता है, जॉइंट खुल जाता है, खुलता है ये नॉर्मल। ओके, एंड ये पानी सीधा आपको इफेक्ट करेगा घर के अंदर। ओके, घर के अंदर आप जाएंगे ना, इसी का ऑल आपको कपूर वगैरह लगा हुआ रहता है, पूरा वो फूक जाता है, पूरा फूक जाता है, पीछे दिखता नहीं है, पूरा पानी अंदर जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। कौन से एरिया में जो डक्टिंग जो होता है ना, आजकल जो नया बिल्डिंग देखेंगे सब डक्ट एक जगह से। ओके, अगर डक्ट एरिया से पानी आता है, डक्ट एरिया का पानी आपको अंदर के पूरा रूम को खराब करता है, राइट, डक्ट एरिया का पानी पूरा रूम को खराब करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, कहां से पानी आ रहा है। बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं ये सरफेस छोड़ के कॉन्क्रीट, अभी कॉन्क्रीट के अंदर इश्यूज क्या होता है, कॉन्क्रीट के अंदर इश्यूज शुरू से हो जाता है। जब कंक्रीट बनते हैं, प्लास्टर जब बनते हैं, हमने अगर उसको बनाने के टाइम पे उसको प्रिकॉशंस नहीं लिया, टाइम पे हमने राइटली राइट उसको कंपैक्शन नहीं किया, उसका जो क्योरिंग है, आज के तारीख में कोई भी साइट पे जाइए, यू आर ऑल सिविल इंजीनियर्स राइट, सिविल इंजीनियर आपको पता है क्योरिंग कितना भी होना चाहिए कॉन्क्रीट का, एकदम बुक के हिसाब से जाएंगे तो एकदम बुक के हिसाब से थियोरेटिकल राइट, कोड के हिसाब से जाएंगे, कोड बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 सेज दैट मिनिमम 14 दिन होना चाहिए, ठीक है, और इन केस ऑफ पीपीसी 21 दिन होना चाहिए, पीपीसी मतलब पोर्टलैंड कोड नंबर, ठीक है ना। कितना कंस्ट्रक्शन में ये 14 दिन का आपका क्योरिंग होता है, अगर 7 डेज हो गया तो बहुत बढ़िया, इससे ऊपर तो काम ही नहीं है, उससे सब का प्लानिंग हो जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जानना जरूरी है मैं क्योरिंग करती हूँ, क्योरिंग क्यों करता हूँ एज एन इंजीनियर, एज अ आपके पैरामीटर क्या है, मैं जब कंक्रीट जब बनते हैं ना, इंजीनियर के लिए एक ही थिंकिंग है मेरे को स्ट्रेंथ है, बट कंक्रीट का स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है, कंक्रीट का और 10 प्रॉपर्टी।
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं जो कॉन्क्रीट बना रहा हूँ परमिएबल है कि इम्परमिएबल, पहला प्रॉपर्टी। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिकल है क्योरिंग के लिए। क्योरिंग का मेन इंपॉर्टेंट है जो पानी मैंने सीमेंट के साथ डाला था, ओके, हमने थोड़ा बहुत एक्सेस पानी डालते ही है, ओके, वो पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पहली बात है कि स्टे क्यों सदा है, स्टे क्यों मेन है, क्योंकि सीमेंट को अगर पूरा पानी नहीं मिला, अगर बाहर पानी बाहर चला गया, ओके, तो सीमेंट को पूरा पानी मिलेगा नहीं, तो स्टे नहीं मिलेगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात जो पानी अंदर रह गया है, अगर वो पानी निकल जाता है क्योरिंग टाइम पे नहीं किया, तो क्या होगा, मेरा कैपिलरी फोर्स बढ़ जाएगा। अब समझो बात को। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, क्योरिंग अगर आपने राइट टाइम में शुरू नहीं किया, कभी जैसे कंक्रीट मेरा बना कब करेंगे, करेंगे क्योरिंग, अभी आज तक अगर मैं कास्टिंग करता हूं क्योरिंग कब करेंगे, 12 वर्ष के बाद। अभी अभी इसमें अगेन अगेन मैं अगर इंजीनियरिंग बुकिश लाइन में जाता हूं तभी होगा उसका, जब भी फाइनल सेटिंग टैंक हो जाता है, राइट, ये बोलते हैं ना, हां या नहीं, ओके। अभी फाइनल सेटिंग टैंक कंक्रीट का कब होता है, उसके लिए एक मशीन लगता है ना, क्या मशीन लगता है बताओ, कितने लेबर के पास वो मशीन होता है जिससे वो टेस्ट करते हैं, राइट ना। इसीलिए जो क्योरिंग है ना, वो क्योरिंग टाइम पे शुरू नहीं होता। क्योरिंग अगर टाइम पे शुरू नहीं हुआ आपका कॉन्क्रीट, आज अगर कॉन्क्रीट हुआ आपका कॉन्क्रीट विदिन नेक्स्ट कभी होना चाहिए कॉन्क्रीट, वेरी सिंपल लॉजिकल थिंकिंग एंड राइट वे ऑफ बैक टू साइड के वे में, आपके बंदे के बोलो हाथ लगाए कॉन्क्रीट ऊपर, उसके हाथ में सैंड या सीमेंट उठ के नहीं आना चाहिए, ओके ओके, राइट। ये अदरवाइज इंजीनियरिंग में भी क्या है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलता है प्रॉक्टर पेनिट्रोमीटर, ये तो किसी के पास नहीं, ओके, ये तो छोड़ ही दो। ये जो हाथ वाला कहानी है ना, ये कितने कंस्ट्रक्शन साइट में जो छोटे बच्चे होते हैं जो करते हैं क्योरिंग एक्सप्लोजन, किसी को नहीं पता। अभी इसीलिए क्या होता है, आज का कास्टिंग होता है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है कास्टिंग शाम के टाइम जो हुए, नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग नॉर्मली इंजीनियर आएगा, तभी वो वाटा बनाएगा काम करने के लिए, उसके बाद पानी डालेगा। इतने में क्या हो गया, कॉन्क्रीट में जितने क्रैक आने का था कंप्लीट कर, ये जो क्रैक्स है, ये जो क्रैक्स है, ये क्रैक्स आपको पानी के अंदर लेके जा रहे हैं। लोग बोलेंगे सिंकेज क्रैक्स है, कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है पानी के लिए बहुत है, हमारे लिए बोलता है प्रॉब्लम, अब समझ लो आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रैक्स होता है। दूसरा है कंपैक्शन, वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन ढंग से नहीं किया, कॉन्क्रीट अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, हनी कॉम मिक्स हो जाता है, वॉइड बन जाता है अंदर, ये प्रॉब्लम है कॉन्क्रीट के अंदर जो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में हर एक सेक्शन में ये प्रॉब्लम नेचुरल प्रॉब्लम, ये नेचुरल प्रॉब्लम है, इसको आप रोक नहीं पाओगे क्योंकि सीमेंट से बना है तो क्रैक है, इसमें कुछ नहीं करते, सिंकेज क्रैक होगा ही होगा, बट ये अगर हमने टाइम पे नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ते हैं। बट एज अ वाटरप्रूफ आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, आपको तो कर ही नहीं, बट आपको जानना जरूरी है ये प्रॉब्लम है। क्योरिंग का टाइम क्या है, अभी क्योरिंग का टाइम से भी इम्पोर्टेंट दूसरा है, क्योरिंग का टाइम को मैंने बोल दिया, नॉर्मल डिपेंड करता है वो कॉन्क्रीट कैसे डाले, नॉर्मली देर से दो घंटे के अंदर क्योरिंग शुरू हो जाता है, right? That is, again, time depends on कौन सा time पे करते हो, सब कुछ depend होता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ ना, हम तो देखो, हम साइड पे छाप के वाला आदमी हैं, हम जो सोचते हैं वो जानते हैं, right? उसको गीला रखेगा कौन, वो भी नहीं है कोई, सिंपल वे उसमें करने का भी तरीका, प्लास्टिक शीट ना,
प्लास्टिक शीट जो पॉसिबल है। तो ये सब चलिए, ये सब इंजीनियरिंग पढ़ा, मुझे इसमें बात नहीं करना है। मैं तो बस भाई समझा रहा था ये कंक्रीट में क्रैक क्यों होता है, क्रैक का प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम। सीमेंट अगर क्रैक नहीं होगा, जो क्रैक नहीं होता वो सीमेंट नहीं है, ये भी बोलते ना, सीमेंट होगा तो क्रैक होता है, ठीक है, जैसे की पोजीशन में क्रैक्स आते हैं, ऐसे सिंगल क्रैक सुपरनेगेटिव क्रैक आता है, सिंगल क्रैक होता है, परफेक्ट। सिमिलरली क्रैक गुस्सा होता है कभी, ये शुरू का क्रैक होता है, जो मतलब हमने बात किया ना सिंगल क्रैक होता है शुरू, ठीक है ना, ये आपको शुरू में मिलेगा जो अपने नए कंस्ट्रक्शन में। एक होता है गुस्सा जो कंक्रीट एग्जिस्टिंग कंक्रीट है, टेंपरेचर वेरिएशन की वजह से कंक्रीट पर क्रैक होता है, दोनों ही कॉन्क्रीट में होगा ही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो इतने सारे राइट कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी ये दोनों क्रैक तो होना ही, समझ गए। तो हमने हमारा वाटरप्रूफिंग जब हम करते हैं, इसलिए हम लोग जब अगेन भी हम लोग वाटर फिक्स के साथ आप लोग हो, आप लोग भी जाने, हम लोग ऑलवेज क्या बोलते हैं, हमें ये दोनों प्रॉब्लम को सुधारना है, राइट ना। एक तो सुधारना ये है जो मेरा नॉर्मल जो श्रिंकेज क्रैक्स है उसको रिड्यूस करे, और ऊपर का जो नॉर्मल सरफेस क्रैक है थर्मल क्रैक है इसको भी ठीक करे। इसीलिए जब भी हम वाटरप्रूफिंग करेंगे ना, वाटरप्रूफिंग हमारा होना चाहिए कंप्लीट प्रोटेक्शन, राइट, क्योंकि वाटरप्रूफिंग जैसे सर उसका बोल रहे थे ना, स्ट्रक्चर भी बातें करते हैं, ह्यूमन होते हैं ना, वो भी मानते हैं, उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके लिए हमें बिल्डिंग को उसी हिसाब से सोचना चाहिए, सरफेस को उसी हिसाब से सोचना चाहिए, जब क्या प्रॉब्लम हुआ है उसको समझना जरूरी है। कंडीशन जो 1000 एमटीएस तो आप इंसान भी अपने लिए जैसे मेंटेनेंस करता है, आपको मेंटेनेंस करता है तो एक घर भी अपने आप को कहता है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, सही बात है, चाहिए। तो इसीलिए घर के अंदर वाटरप्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं वाटरप्रूफिंग करने जाऊंगा तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा ना, ये पूरा स्ट्रक्चर को मुझे कंप्लीट वाटरप्रूफिंग करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट वाटरप्रूफिंग करने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे दो टाइप का वाटरप्रूफिंग करना है, एक मुझे कंक्रीट को प्लास्टर को वाटरटाइट करना है, और ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर को मुझे कवर करना है, स्कीम बनाना है, राइट, स्कीम बनाना है, मतलब मैंने पूरा प्रोटेक्शन करूंगा, जैसे मैंने कोटिंग लगा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, राइट। स्कीम कैसे होगा, जैसे आपने अपनी जैकेट की पहना, ओके, अगर जैकेट पहना किसके लिए पहना, आपसे ठंडी नहीं लगती, राइट, है ना, बारिश के टाइम भी जैकेट पहन तो पानी नहीं लगे, बट अगर जैकेट से पहन लोगे, खाना नहीं खाओगे, बीमार नहीं, बीमार हो गए कि नहीं हो, खाना भी खाना पड़ेगा ना, अंदर से भी बॉडी को ठीक रखना पड़ेगा, सेम चीज कंप्लीट होती है, स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर को अंदर से भी ठीक करना है, ठीक है, और स्ट्रक्चर को बाहर से भी प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जब भी हम वाटरप्रूफिंग करें, इसे फंडामेंटल, इसीलिए मैं बेसिक्स बोल रहा था, फंडामेंटल ये है, कभी भी काम कीजिए, क्योंकि जैसे सब बोल रहे थे वाटरप्रूफिंग कर रहे हैं, सीमेंट के अंदर कुछ मिला दिया वाटरप्रूफिंग हो गई, वाटरप्रूफिंग उससे होता नहीं, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है। जो आप देखो इंडिया में AW प्लस इतने कॉमन है, वो लोग जानते हैं आज के तारीख में, जो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, AW प्लस और इतने कॉमन है, तो कोई भी और आपके प्रैक्टिस किया है, मेरे को जैसे जैसे आप लोगों को ही बोलते होंगे, आप लोग भी डॉक्टर फिक्स, हां डॉक्टर फिक्स के प्रोडक्ट लगा दिए, जैसे तुमने बोला डॉक्टर फिक्स के प्रोडक्ट लगा के किया, तो मैं भी बोल से इजी की है, हां 60% से इजी की है, 60% से इजी की है, तो उसमें देखा है एल्डर वाला से कोने भी करते थे, अरे वो तो सब तुम्हारे एग्जांपल था, मैंने वहां पे एक किसी ने छत ऊपर में था, हां एक हमारे जयपुर में था, वो टीम का किया था, जन्म हुआ कभी AW प्लस का जन्म हुआ आपका डॉक्टर विकसित का जन्म हुआ 2001 अगर डॉक्टर सदियों से जम रहे ना, तो AW प्लस AW का बट देखो सक्सेस जो है ना
जो हाथ से दिल से मन से करते हैं वो बिना केमिकल्स के भी सक्सेस कर सकते हैं। देखिए केमिकल्स के बारे में यहाँ पे नहीं कर रहे, ये कोर्स हमारे केमिकल्स के ऊपर नहीं है, ये कोर्स है आपके स्किल को बताए। केमिकल कुछ भी यूज करो, केमिकल आपके लिए एक मसाला है, एक जस्ट मसाला है जिसको आपको एड के हिसाब से यूज करते, बट अगर आपने ढंग से उसको देखा, ढंग से उसको समझा एंड ढंग से उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, आपको बिना कुछ डाल के भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, बट मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको उसको सीखना है। इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप स्ट्रक्चर को अंदर से पहले वाटरटाइट करो, डेंस कॉन्क्रीट बनाओ, डेंस प्लास्टर बनाओ, मैं करने का मतलब क्या, पानी नहीं जाना चाहिए प्लास्टर के अंदर से, पानी नहीं जाना चाहिए कॉन्क्रीट के अंदर से, वो डब्ल्यू प्लास डाल के करो या दूसरा कुछ डाल के करो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग का ये फंडामेंटल राइट। लेयर क्यों बनाना है मुझे, कंक्रीट तो क्रैक करना ही करना है, बस टेंपरेचर वेरिएशन में कंक्रीट में क्रैक आएगा, एक प्लास्टर में क्रैक हम दिखते ही गए राइट ना, सरफेस में कभी भी प्लास्टर देखो आपको बाद में क्रैक दिखेगा, उसमें आपका कुछ रोल नहीं है, तो होना ही होना, बट प्लास्टर में क्रैक होते हुए भी मेरा ऊपर का जो कोटिंग है या कॉन्क्रीट के ऊपर जो कोटिंग करूंगा वो क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर वो लगा दिया कोटिंग क्रैक नहीं होगा तो मेरा कॉन्क्रीट पीछे क्रैक होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पानी अंदर नहीं है, हमें राइट, तो मेरा इसलिए लेयर बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए वाटरप्रूफिंग हम लोग सिंपल बोलते हैं, इस टाइप के सिंपल वे लिफाफा होता है, एक लिफाफा के अंदर हम लोग जैसे डॉक्यूमेंट को रखते हैं ना, देखो स्ट्रक्चर को एक लिफाफा के अंदर डालते हैं, कंक्रीट का सेफ्टी हो गया, कंक्रीट का सेफ्टी, ये कंक्रीट का हम लोग कैसे बोलते हैं कंज्यूमर को, क्या बोलते हैं, आप एक इंश्योरेंस कर रहे, सोच रहे हैं इंश्योरेंस है आपके लिए, इंश्योरेंस है, तो ये जो है एक लिफाफा को बनाना है आपको। नाउ लिफाफा जब बनाते हो, अभी जब लिफाफा बनते हैं, लिफाफा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है लिफाफा का, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किस मटेरियल से बने हुए, अगर आपके सर्टिफिकेट भेजना है ना किसी को, आप क्या करोगे, लोगे कपड़े वाला उसके अंदर जाली वाला वो वाला लिफाफा होगा, नॉर्मल एनवेलप तो पेपर वाला से भेजोगे नहीं है ना, तो जो मटेरियल है वो लिफाफा सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए कौन सा लेयर आप बना रहे हो वो मटेरियल सिलेक्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट, कौन सा सर्फेस में किस जगह पे कौन सा लेयर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो है मटेरियल। नाउ ये तो होते मटेरियल, अभी लिफाफा का वीक पॉइंट क्या है, जहां वो जॉइंट्स होते हैं, जहां वो टर्मिनेट होते हैं, बंद होते हैं, अगर लिफाफा सोचो, लिफाफा जहां पे फोल्ड होता है जॉइंट होता है, लिफाफा को जहां से आपने एडिस गम से लगाते हो उधर वो टर्मिनेट होता है ना, वाटरप्रूफिंग भी सही है, वाटरप्रूफिंग को आपने कहां ना कहां जाके एक जगह पे टर्मिनेट करते, एक स्ट्रक्चर की एक जगह पे जाकर उसको ट्रांजिशन में डालते हैं, अगर वो टर्मिनेशन आपको ढंग से नहीं हुआ बेस्ट क्वालिटी वाटरप्रूफिंग भी आपके लिए सही है। तो हमारे कोर्स ये कोर्स और आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, वाटरप्रूफिंग को मैंने डिटेलिंग कैसे करना अच्छे से, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो जॉइंट को कैसे फिट करना है, हर एक एरिया को, मेरा रूफ से जाकर पैरापेट जा रहा है या मेरा एक पाइप जा रहा है या मेरा एक अपस्टेंस खड़ा है, वहां पे मैं जब कोई भी वाटरप्रूफिंग करूंगा उसको मैंने कैसे उसको फिनिशिंग करूंगा, सो दैट उसके अंदर से पानी ना, टर्मिनेट कैसे करूंगा, कोटिंग को मैं लगा देता, कोटिंग को टर्मिनेट कहां, जहां पे आपने कोटिंग को छोड़ गई वहां से पानी अंदर जाए, है या नहीं, तो टर्मिनेशन कैसे करें, ये जो टर्मिनेशन एरियाज है वो लीकेज पॉइंट होते हैं, ओके, और ये होता है आपके 1% एरिया जिसके अंदर से पानी जाता है, आप सोचो ना ये जो पूरा वॉल है, ओके, या पीछे का आपके वॉल है, यहां से पानी नहीं आएगा दीवार से, पानी कहां से आएगा, ये सिर्फ फ्रेम जॉइंट से आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना, पानी आने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये 1% एरिया से पूरा वाटर कट है, तो 90% वाटर ये दीवार का, ये 1% जॉइंट से आ रहा है, राइट, पूरा छत के अंदर आपके कितना आउटलेट पॉइंट है, 4, 2, 3 जो भी, वो 2-3 आउटलेट जॉइंट का जो जॉइंट है ना वो क्रिटिकल है, बाकी छत से पानी नहीं आ रहा, तो ये तो हम बनाएंगे क्रिटिकल वाटरप्रूफिंग एंड लेयर वाटरप्रूफिंग में डिटेल कैसे करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूशन करेंगे, हर एक जगह पे जहां पे वो फिजिकली वो फिनिश होता है, एंड होता है, उसको हमने सीखना है। तो ऐसे अलग डाल देंगे,
रेशियो रेशियो उसके अंदर की जब टैंक होगा टाइप होगा तो फटने टूटने लगेगा अभी सब पूरी कोटिंग कर रही है तो बाद में क्या होगा कि पानी भरेगा नीचे जाना शुरू हो जाएगा तो ये रेशियो इसलिए जब आप भरते हो ना इसलिए हम लोग जब क्रैक के बारे में बात करेंगे तभी देखिए मैं बोलूंगा आपको क्रैक अभी मैं आपको सिंपल से बताता हूँ बिफोर हम लोग लंच जाने के बाद एक सेकंड से बोलता हूँ क्रैक होता है हम लोग वाटर प्रूफिंग जो होते हैं ये सब जो काम होता है ना क्रैक जैसे ही दिखता है ना हम लोग तो उसको ये माइंड में होता है ना मतलब क्रैक हुआ मतलब कुछ तो खराब है आपको एक सिंपल बात करता हूँ जो कॉन्क्रीट क्रैक हुआ ना जो कॉन्क्रीट क्रैक हुआ है वो सबसे स्टेबल कॉन्क्रीट है मतलब जो कंक्रीट क्रैक है वो स्टेबल कंक्रीट है ओके ये मानते हो आप लोग कंक्रीट में क्रैक कब होगा बहुत कंक्रीट को स्ट्रेस है वो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए कंक्रीट क्रैक हो गया राइट रिलीव कर दिया उसने स्ट्रेस को रिलीव कर दिया उसने क्रैक हुआ मतलब स्टेबल हो गया अगर आपने उसको फिल किया फिर से कोई कंक्रीट या ऐसे कुछ मटेरियल से फिल कर आपने फिर से स्ट्रेस को डालना है उसको फिर से क्रैक आपने अगर वो लोड को स्ट्रेस को रिमूव नहीं किया कितना भी बार फील करो कॉन्क्रीट क्रैक जब फिलिंग करना है हमें क्रैक का इस बारे में जानकारी लेना जरूरी है क्रैक हुआ क्यों क्रैक लाइक क्या हमारा कैसा होता है जैसे हमारा बुखार होता है ना बुखार होता है ना क्रैक लाइक फीवर ठीक है क्रैक का रीजन जानना बहुत जरूरी है क्रैक एक दिखता है सामने ठीक है क्रैक दिखता है आपको इसको बोल रहा हूँ क्रैक दिखता है बट क्रैक को फिलिंग करने के पहले हमें जानकारी लेना पड़ेगा क्रैक के कारण क्या है वो हिसाब से क्रैक को ट्रीटमेंट ठीक है हम बोलेंगे जज करेंगे कैसे क्रैक का अंडरस्टैंडिंग करना है लाइट क्रैक क्या होता है डेड क्रैक क्या होता है समझना कैसे होता है उसको कैसे समझेंगे उसका स्ट्रेस को कहां से समझेंगे ये पता करेंगे उस